गतकाल हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया था। कितना प्रश्न किया था बताओ तो, पहला प्रश्न क्या था इसको याद है? आत्मा को शांति कैसे मिले है? और दूसरी जो प्रश्न था, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? इसलिए हम लोग ये सब कथा सुन रहे हैं। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी जब श्री आंसर देते जा रहे हैं, सुत गोस्वामी जब उत्तर देने जा रहे थे, पहले उन्होंने श्री गुरु जी की चरण को उन्होंने वंदना किया है। बोले जम प्रवजन तमनुपीतम अपीत कृत्यम द्वैपायन विरह का तर आयु भाव उत्तरी तन्मय तया तर बोधि मेघ स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान त्वसि। बोले सर्वप्रथम मैं अपना गुरु जी की चरणों को मैं वंदना करता हूँ। कहते मेरे गुरु जी कैसे हैं और कौन है? कहते मेरे जो गुरु जी है श्री सुखदेव गोस्वामी, माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, लेकिन मेरे गुरुदेव 16 साल तक रहे और वो पेट से निकला नहीं, निकलना नहीं जा रहे थे। इतने में व्यास देव ने बोले बेटा मैया को इतना कष्ट क्यों देते हो, बेटा निकल करके आ जा। अंदर से आवाज आई, बोले पिताजी ये माया की संसार है, क्योंकि मातृगर्भ में हर बच्चा भगवान से वायदा करता है। बोले ठाकुर जी एक बार केवल हमें ये मानव शरीर दे दो और मानव शरीर पा करके उठते बैठते सोते हर समय एक बार हाथ उठा करके बोलो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हर बच्चा माँ के पेट में ये कसम खाता है, लेकिन इस संसार में आकर के भगवान को भजन की बात भूल जाता है, फिर ये संसार में जी मस्त हो जाता है। इसलिए प्रभु कहे पिताजी ये माया के संसार में मैं आना नहीं चाहता हूँ। तब व्यास देव बोले बेटा कोई चिंता मत करो, मैं माया को हटा देता हूँ, तू आ जा। बोले आप क्या माया को हटाओगे, आप भी तो माया में हो हैं, क्योंकि माँ को कष्ट हो रहा है, ये कष्ट को आपको देखा नहीं जा जाता, ये भी एक माया है हैं। इसलिए बोले माया को कौन हटा सकता है? बोले मायापति भगवान कृष्ण ही ये माया को हटा सकते हैं। फिर भगवान कृष्ण को बुलाए, जब भगवान ने माया को हटा दिया, श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। अभी बच्चे का उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, नाड़ी छेदन संस्कार भी नहीं हुई, बस संन्यास लेकर जा रहे। जब रात जा रहे थे, इतने में श्री व्यास देव पीछे पीछे, हा पुत्र तू कहाँ छोड़ करके जा रहे? जब हा पुत्र कर रहे थे, लता पता पेड़ से भी आवाज आ रही थी, हा पुत्र मतलब कौन किसका बेटा कौन किसका पिता, सब झूठा संसार। मैं भी कभी कभी आपका पिता रहा हूँ, इसलिए सारे वृक्ष भी आवाज दे रहा था। और श्री सुत गोस्वामी कहते हैं मेरे गुरुदेव का इतना प्रभाव है, कितना जहाँ पर कृपा हरि की हो तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जो भगवान का प्यारा बन जाता है ना ठाकुर जी की, सारा दुनिया उसको प्रेम करते हैं। जैसे मीराबाई हनुमान जी, उनको सब प्रेम करते कि नहीं कहते हो ना? कि जो भगवान को प्यारा बनता है, दुनिया उसको सब प्रेम करने लग जाते हैं। चूंकि मेरे गुरुदेव भगवान के प्यारे हैं ना, इसलिए यहाँ के लता पता भिड़के भी क्या कर रहे हैं, उनको भी बैठे बैठे बोल रहे हैं। अरे मेरे गुरुदेव के तन मैया तरभो भी नहीं दूर, जब जितने वृक्ष लता पता भी मेरे गुरुदेव का निवास है। जब मेरे गुरुदेव सर्वत्र निवास है, गुरुदेव मेरे हृदय में भी आ जाए। और आकर के सौनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न किया है, इनका प्रश्न का जैसे उत्तर दे पाऊं। पहला प्रश्न था क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिले? देखो ये अरब खरब रुपया प्रश्न है। अब बताओ तो संसार में शांति कौन कौन चाहते हैं? सब जानते हैं। अब बताओ संसार में दुख कौन चाहते? कोई नहीं चाहते।
सब जीवन में शांति चाहते हैं। देखो सुन लो, ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, करोड़ नहीं अरब खरब रुपया है। अगर सच ऐसे अगर जीवन को तुमने बना लिया ना, वाह जीवन में तुम्हें शांति सुख मिल जाएगी। बोले सबई बुन सांग परो धर्म जत भक्ति भक्सजी आहै तुगी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसीद। जब आत्मा को तभी संपूर्ण रूप में शांति मिलेगा। संसार में तो शांति है, लेकिन आप देखना संसार में कैसी शांति है। अगर थोड़ी समय के लिए कोई सुख आ गया ना, आप देखना थोड़ी देर बाद आपको सुख कहाँ गायब हो जाए, गायब हो जाती है कि नहीं। लेकिन कहते हैं ये शांति नहीं, हमें ऐसे शांति चाहिए जो एक बार जो शांति मिले है ना, वो शांति कभी जाए नहीं, हर समय संसार में सुख ही सुख रहे। बोले कैसे शांति मिलेगा? बोले सबई पुन सांग करो धर्म। जगत में तरह तरह का धर्म है, पिता धर्म है, माता धर्म है, भाई धर्म है, परिवार धर्म, सबका धर्म है। लेकिन ये जो धर्म है ना, ये धर्म नहीं है, ये कर्तव्य है। लेकिन जो धर्म है ना, जैसे देखो अब दिया जलाओ, अब दिया का जो सिखा, दिया का जो लोग किधर जाएगा बताओ? वो ऊपर जाता है ना। जैसे कोई दिया जलाओ, उसका लोग किधर जाएगा? इधर जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा? इधर इधर क्यों नहीं जाता? बोलो क्यों नहीं जाता है? बोलो कारण है, उसका जो मूल उत्स है ना वो सूरज है। ये सूरज मूल अग्नि है, इसलिए वो कहाँ जाना चाहता है? वो ऊपर जाना चाहता है। जैसे पानी डाल दो, पानी किधर जाएगा? नीचे। बोलो नीचे क्यों जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जाता? नीचे क्यों जाता है? बोलो क्योंकि उसका जो धर्म है वो जहाँ से आया है ना वही मिलना चाहता है। वो आया कहाँ से? बोले जैसे सूरज का किरण से समुद्र तप करके बाष्प होकर के मेघ बनता है, हैं? इसलिए पानी जाकर के नाली में मिलेगा, फिर वो नाली से जाकर किसी नदी में मिलेगा, फिर नदी से जाकर के धीरे धीरे समुद्र में जाकर के मिलेगा। क्यों? वो समुद्र से ही आया हुआ है। जैसे एक पत्थर लो, लेते मिट्टी लो, उनको ऊपर आकाश में फेंको, किधर आएगा? नीचे। नीचे क्यों आएगा? ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका जो मूल उत्स है वो मिट्टी के टुकड़ा आया कहाँ से? ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है, इसलिए ऊपर फेंकने पर भी वो कहाँ आता है? वो नीचे ही आता है। उसी तरह हम भी जीवन में सुख चाहते हैं। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? सुख। क्यों? सुख क्यों चाहते हैं? दुख क्यों नहीं चाहते? बोलो। क्योंकि हम जिनके अंश है ना, बोले अमृतस्य पुत्रा, हम सबके सब भगवान की संतान है। और भगवान कैसे हैं? भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है। इसलिए हम जीवन में सबके सब सुख चाहते हैं, संसार में कोई भी दुख नहीं चाहता है। अभी प्रश्न है, फिर ये संसार में दुख क्यों आता है? सुख तो चाहते, दुख क्यों आता है? बोले कारण है, जहाँ पर सुख है ना, हम सुख वहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं। जहाँ पर दुख है हम वहीं पर सुख ढूंढते हैं। बोले कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? बोले ये माया की संसार है, ये दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, तुम ढूंढ कर बैठे हो। इसलिए हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? बोले ये संसार में ढूंढ रहे हैं। संसार में, ये संसार क्या है? इनका नाम संसार। संसार मतलब जानते हो, जो हर समय हमसे अलग होते जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी के पिताजी कहाँ गए? उसको पिताजी कहाँ गए? उसको पिताजी कहाँ गए? हम भी एक दिन कहाँ जाएंगे? हम भी जाएंगे संसार से। जो संसार में अनित्य वस्तु, एक दिन नष्ट हो जाने वस्तु, हम उसको वहीं पर शांति से ढूंढते हैं। भैया संसार में जो स्वयं दुखी है, पुत्र तो सुख कहाँ से दे सकता है? इसलिए सुख जिनके चरण में वही सुख दे सकते हैं। बोले सुख किसको चरण में? बोले ठाकुर जी के चरण में सुख है। बोले अशोक अभय और अमृत, जो तीन चीज ठाकुर जी के ही चरण में। अगर जीवन में हम सुख पाना चाहते हैं, क्या करो? ठाकुर जी के चरण को आश्रय ग्रहण करो, वहीं पर परम शांति सुख में वहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए जीव का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना। आप बोलोगे हम सबके सब तो भक्ति कर ही रहे, बताओ कौन नहीं करता है भक्ति? सब करते हो, फिर सुख क्यों नहीं मिलता है? बोले हाँ, कहते भक्ति कैसे करनी चाहिए? तो उन्हें दो चीज
उन्हें दो चीज करना चाहिए शुरू में है, तब हमें शांति मिलेगी। बोले पहला है भक्ति में तुम्हारी कोई कामना वासना नहीं हो, प्रभु की भक्ति करो लेकिन उसमें कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति कैसे, 10 रुपया की फल नहीं तो एक फूलों की माला ठाकुर पे चरणा चढ़ाए। आप देखना है कि पर्ची जो होगा ना कम से कम 10 करोड़ से तो नीचे नहीं होगा बल्कि ज्यादा होगा। बोले ठाकुर जी इसलिए 10 रुपया नहीं तो 10 रुपया की फल नहीं तो बाता से चढ़ाया एक पर्ची, बहुत बड़ा पर्ची होगा, मेरे बेटी की शादी करवा दो। सामने वाले मकान देखो 3 मंजिल के, अभी हम 1 मंजिल में, हमारे 3 मंजिल मकान दिला दो। सामने वाला देखो कार में घूम रही, अभी हम बाइक में घूम रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी बेटा का नौकरी करा दो, ठाकुर जी हमारी घर बना दो, दुकान वकान बना दो। इसलिए ठाकुर तुमको 10 रुपया दे रहा हूँ, तुम आ करके हमारी नौकर बन जा और नौकर बन करके ना घर के सारे काम शुरू कर दो। भैया ये भक्ति इसको नहीं बोले, ये तुम्हारी स्वार्थ हो गया, भगवान को अपना काम में लगाना चाहते हो नहीं। भक्ति क्या होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में कोई इच्छा मत करो, जैसे कि बेटा समझो बेटा अगर पिताजी की सेवा अगर निष्काम से करता है ना, पिताजी क्या करेगा, जाते समय सारी संपत्ति दुकान मकान उसको ना पढ़ लिख दिलाएगा जाएगा नहीं। लेकिन अगर पिता जिंदा रहते हुए बेटा अगर बोले पिताजी सारी संपत्ति पहले मेरे नाम पर लिख दो तब तो तुम्हारी सेवा करेगा, नहीं कोई सेवा नहीं करूंगा। पिताजी क्या करेगा बोले, बोले कुछ भी तेरे को दूंगा नहीं, तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा, जो मेरे सेवा करेगा उसको ही दूंगा, तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा। समझ रहे हो, हमारे परम पिता कौन है, भगवान ही। अगर उनकी निष्काम होकर सेवा करोगे ना, ठाकुर तुम्हारी झोली भर देंगे, तुम जो सोच भी नहीं सकते वो चीज ठाकुर देने वाले, सोच से बाहर है। कितना करते हो तुम, करने मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। इसलिए भगवान से मांगो, मांगने का कोई जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं, सब कुछ तुम्हारी झोली भर देंगे, मांगने का कोई जरूरत नहीं। दूसरी भक्ति कैसे होनी चाहिए, एक तो निष्काम हो और दूसरी हो निरंतर जमाई। देखना जैसे सहेज अगर ऊपर से डालोगे ना उसमें एक धागा बन जाती है। भक्ति कैसे होनी चाहिए, भक्ति निरंतर जमाई होनी चाहिए, 24 घंटा में 24 घंटा उनकी स्मरण के बगैर हमारे दिमाग में और कोई स्मरण नहीं आना चाहिए, केवल उनकी स्मरण आनी चाहिए। आप बोलोगे हम थोड़ी साधु संत है दिन भर माला लेकर बैठे हैं, हम तो घर भी ऐसे ना, बेटा है बेटी है दुकान मकान घर है, हैं हम कैसे थोड़ी बाबा दिन भर माला लेकर बैठे, माला लेने का जरूरत नहीं है, माला लेने का जरूरत नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जत करो से जत स्नासि, जत दोहो से जदा से जत, जत तपस्स सिकंतया तदपुरुष मदर्पण। हे अर्जुन जो कुछ करते हो मेरे सेवा मान कर, पैसा कमाते हो क्यों, पैसा के बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगा। घर बनाए, देखो हमारे प्रभु जी घर बनाए, घर में सत्संग हो रही, पहले सोच करके बनाए घर में एक बड़ा जगह होनी चाहिए, अगर भागवत कथा हो जैसे लोग आकर बैठ सके हैं तो ये घर बनना सार्थक कथा हो गया है। इसलिए घर बनाओ यदि इसके लिए ठाकुर जी की भागवत कथा हो, संत लोग बनाए घर में, हरि कीर्तन हरि कथा हो भागवत में, ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया रसोई बनाओ, क्यों ठाकुर को भोग लगेगा, हाथ में झाड़ू लगाओ कहाँ लगा रहे हो, बल भगवान के दरबार में ठाकुर जी की मंदिर, घर को अपना मंदिर, बस भक्ति हो गया कि नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन जो कुछ करते हो हर चीज में को याद करते हुए करो। फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। हे अर्जुन जब तुम मेरे को लेकर के सब कुछ करोगे ना उसका फल क्या है, मेरे चरण की प्राप्ति, मेरे चरण को तुम प्राप्त करोगे बंधन में नहीं आओगे है। इसलिए सब कुछ करो लेकिन ठाकुर जी की सेवा मान कर करो, ठीक है ना, याद रहेगा कि नहीं। इसलिए हाथ में काम करना और मुंह में ठाकुर का नाम लेना, इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तभी जीवन में परम शांति और परम सुख मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कलयुग में
भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय किया। इसलिए कल हम सुन रहे थे ना, विद्यमानानां इच्छताम अकूत भयम्, जोगिनाम निर्वनिर्मित हरि नामानुकीर्तनम्। तो जितने शास्त्र है, जितने वेद है, जितने पुराण है, जितने संत है, सबके सब एक ही बात बताई, अगर कलयुग में भगवान को पाना चाहते हो क्या करो, बोले कली युग के बल नाम आज कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय बताए क्या करो, भगवान की नाम जप करो। जो प्रभु का नाम जप कर लिया ना, क्या समझो, उसने सारे वेद पुराण इतिहास सब कुछ उसने पढ़ लिया, जिसने ठाकुर जी की नाम को जप कर लिया। अगर आपने सारे शास्त्र ग्रंथों को पढ़ लिया लेकिन भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई, ठाकुर का नाम में रुचि नहीं हुई, ये समझो तुम्हारी सब वेद पुराण पढ़ना सबके सब बेकार है।
सबके सब तुम्हारी बेकार है, इसलिए क्या करो भगवान की नाम को हर समय जप किया करो, ठीक है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाप्रभु कहते हैं मैंने तुम लोगों को ये हरिनाम दिया है, ये हरिनाम को जप कर, और हरिनाम जप करोगे ना फिर क्या मिलेगा, बोले सर्व सिद्धि है भगवान, ये हरिनाम से जो कुछ मांगोगे ये हरिनाम तुम्हें सब कुछ ये हरिनाम दे देगा है। इसलिए हनुमान के दिन भर क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, प्रभु का नाम जब कहते हैं ना, सारा दुनिया जो कुछ मांगे हनुमान जी नाम के बल पर सब कुछ हनुमान जी प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान के नाम हर समय जप करनी चाहिए, ठाकुर जी का नाम। अभी श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, कहते भगवान तो एक ही, बोले बदंती तत्त्व विदस्तत्वं जज्ञानांगमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, बोले वो एक ही ब्रह्म है, कहते उनका तीन स्वरूप है, एक ब्रह्म स्वरूप है, जो लोग भगवान को निराकार विशेष एक ज्योति रूप कहते हैं, कहते इसको कौन उपासना करते, बोले ज्ञानी लोग। एक स्वरूप है परमात्मा स्वरूप जो अंगुष्ठ परिमाण है, कहते उसको उपासना करने को बोले योगी लोग करते हैं, अपना हृदय में भगवान के अंगुष्ठ परिमाण स्वरूप को ध्यान करते परमात्मा। बोले तीसरे व्यक्ति होते जो भक्त, बोले भक्त लोग क्या करते हैं, बोले भगवान को कृष्ण को राम को नारायण को भक्ति करते हैं। कहते कर्मी लोग क्या करते हैं, बोले कर्म मार्ग में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, लेकिन जीव का परम कल्याण किसी में, बोले जीव का परम कल्याण प्रभु का प्रेम नहीं, प्रभु का भक्ति नहीं, कर्म मार्ग में भी नहीं, योग मार्ग में भी नहीं, ज्ञान मार्ग के नहीं जाना, हमको प्रभु की भक्ति मार्ग में जाना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुना, कल सबको पूछूंगा, देखूंगा मेरे कौन बोल पाए, ठीक है। बोले एक समय, इसमें बहुत शिक्षा है, बहुत अच्छी शिक्षा है, अगर इसको सुन लोगे ना जीवन बदल जाएगी तुम्हारी। बोले एक समय कोई एक दरिद्र व्यक्ति दर दर भटक रहा था, भीख मांग रहा था। एक बहुत बड़ा जो ज्योतिष था, जो तुम्हारी ललाट को देख करके सारी बात बता देगा, केवल मुंह देख लेगा ना, तुम्हारे घर में कितने माल है, वो माल कहाँ पर रखे हो हैं, तुम्हारे बेटा कैसे बेटी कैसे, तुमको देखते ही सारी बात बता देगा। वो ज्योतिष ने उसको देख कर बोले भैया इधर है, ये दर दर भीख क्यों मांग रहे हो, बोले हम तो बड़े दुखी हैं। बोले क्यों, बोले देख बेटा तेरे जो पिताजी ना मेरे मित्र थे, तेरे पिताजी मेरे मित्र थे, और तुम्हारी घर में चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, चार दिशाएं, और तेरे जो पिताजी है ना एक सोने की कलसी में हीरे जवाहरात उन्होंने ये पूर्व दिशा को मिट्टी में गाड़ करके रखे, लेकिन वो जाते समय तेरे को बोल नहीं पाए, लेकिन मेरे को तेरे पिताजी सब बोल कर गए, लेकिन देख बेटा सावधान रहना, अब लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाओगे, थोड़ी थोड़ी सड़क करके आ जाओ, और थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, बर्फ जैसे जम गई लग रही, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, और थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, जो पीछे आओ बैठ जाए, बैठ जाओ, इधर भी रास्ता है, तुम लोग भी पास में आ जाओ, माता जी हो सब एक आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ, पीछे नहीं बैठो, कुछ लोग तो छुप करके बैठे। हाँ एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले तेरे जो पिता है ना वो मेरे मित्र थे, मेरे को ये बात बोल कर गए, वो जो माल है ना कौन सा दिशा में रखा हुआ है, बोलो ठीक से, पूर्व दिशा में, देख बेटा सावधान, लेकिन तुम दक्षिण दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उधर खोदोगे ना वो ततिया रहते हैं, ततिया जानते कि नहीं, वो बड़े बड़े कीड़े, अगर 8-10 निकल गए ना तेरे को काटेंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा हैं। देख बेटा उत्तर दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उधर एक बहुत बड़ा सांप रहता है अजगर सर्प, वो निकलेगा ना जिंदा जिंदा तुमको निकल जाएगा, और तुम पश्चिम दिशा का मिट्टी नहीं खोदना,
उधर रहते हैं उस तरफ में एक यक्ष भूत रहता है, वो अगर निकल गया ना बस हो गया तुम्हारी काम खत्म। लेकिन तुम खोदना पूर्व दिशा का मिट्टी, ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे ना वो माल निकलेगा, सोने की झड़ी निकलेगी, माला माल हो जाओगे। बोले भैया मेरे पिताजी इतने पैसा रख करके है और मेरे को पता नहीं हम दर दर भी ना करें। तो भैया जहाँ करके सचमुच से जब पूर्व दिशा का मिट्टी थोड़ा हटाया ना, वो सोने की कली से निकली और उसमें हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, और एक एक मोती को जब बेचा है ना रखने को अरब खरब रुपया हुआ, माला माल हो गया पूरा का पूरा। देखो ये चीज को समझ लो। कहते हैं ये पूर्व दिशा कौन सा दिशा है? बोले भगवान की भक्ति की मार्ग है, प्रभु की प्रेम मार्ग है। कहते कहते भैया जिधर ये अजगर सर को उधर मत खोदना, तू ये अजगर किया। बोले ज्ञान मार्ग है। जो लोग चाहते हैं अपना सत्ता को ब्रह्म ज्योति में लीन कर दे, हैं लीन कर दे, बोले खबरदार ये ज्ञान मार्ग में नहीं जाना। अगर सत्ता को अगर ब्रह्म ज्योति में लीन कर दिया फिर तू रह गया कहाँ? जैसे कि चींटी जैसे गुड़ खाने के लिए गया, वो तो गुड़ पतला गुड़ है, लेकिन वो चींटी कब वो गुड़ का आस्वादन करेगा? जब उससे अलग रहेगा। अगर जा करके अगर गुड़ में लपट गया फिर गुड़ का टेस्ट मिलेगा। कहते उसी तरह जो जीव है कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाश। जो जीव वो ईश्वर का अंश है, लेकिन कब ईश्वर का रस भक्ति को पान करके जब अलग। जैसे हनुमान, नाम सुने हनुमान जी बहुत बहुत ध्यान करो, हनुमान जी का राम से मिल गए क्या? मिल गए ना, राम की सेवा करते हैं, उनकी चरण दबाते हैं, कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, वो अलग हो तब तक सेवा कर रहे हैं ना। जैसे गोपियां क्या कृष्ण से मिल गई? मिल गई तो कृष्ण का सेवा कैसे करें? मीरा क्या ठाकुर से मिल गई? नहीं मिली। इसलिए कहते भैया ज्ञान मार्ग में मत जाओ, फिर वो ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो जाओगे, फिर प्रभु का प्रेम तुमका आस्वादन नहीं कर पाओगे। हाँ कहते भैया योग मार्ग में मत जाना। ये योग मार्ग भी कौन सा मार्ग है? ये भी एक तरह का कौन है? जक्ष है, वो भी तेरे को खा जाएगा, इसलिए आत्मा सत्ता नष्ट हो जाएगी। तुम ये योग मार्ग को छोड़ो और कर्म मार्ग में तो फंसना नहीं। कर्म मार्ग कैसे? बोले तत्या। कर्म मार्ग कैसे? तत्या जैसे कांपते रहते हैं ना, हाँ उसी तरह संसार में हम कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, बेटा से दुखी, बहू से दुखी, परिवार से दुखी, सास से दुखी, ननद से दुखी, दुखी दुखी। ये कर्म मार्ग है। अगर ये कर्म मार्ग में जाओगे ना फिर तो ये संसार के चक्कर में फंसते रहोगे, दुख दुख उठाते रहोगे। लेकिन कौन सा मार्ग में जाओ? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा मतलब प्रभु का भक्ति मार्ग, प्रभु की प्रेम मार्ग में जाओ। प्रेम मार्ग में अगर जाओगे बस लाभ ही लाभ है। कहते भाई ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, अगर थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे ना वो झाड़ निकलेगी। थोड़ी सी मिट्टी मतलब क्या है? भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग है। प्रभु का जो जैसे कथा सुन रहे हो आनंद आ रहा है कि नहीं? कीर्तन करते हो आनंद आता है कि नहीं? प्रसाद भी पाते हो आनंद आता है कि नहीं? नाचते भी हो आनंद आता कि नहीं? इसलिए भक्ति मार्ग में ना दोनों हाथ में लड्डू है, उसकी साधन में भी आनंद है और जो सिद्धि होगी जब भगवान को पास में जाओगे आनंद ही आनंद ही है। इसलिए भक्ति मार्ग में दोनों तरफ में ही लड्डू लड्डू। इसलिए श्री सूरदास जी एक सुंदर भजन गाते हैं, बोले सबसे ओछी है प्रेम सगाई, सबसे
Thank you.
देखो एक एक करके उदाहरण दे रहे, बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जद्यपि जगत में बहुत तरह तरह का बंधन है, कर्म का बंधन, ज्ञान का बंधन, जोग का बंधन, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा किस में बंध जाते हैं? बोले प्रेम से ही भगवान बंध जाते हैं। इसलिए कहते भगवान को कोई कहता है ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहता है कर्मी का भगवान, कोई नहीं कहता है योगी का भगवान। भगवान किसी का भगवान है? कहती है भक्त का ही भगवान है। इसलिए बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए सूरदास एक एक उदाहरण देते हैं, बोले झूठ बेर सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताए। विश्व ब्रह्मांड जिनका झूठन खाता है, लेकिन ठाकुर जी किसका झूठा खाए? सबरी के झूठा बेर खाए। बोले सबरी तेरी झूठे बेर में जो स्वाद आया ना, मेरी लक्ष्मिया मेरे को वैकुंठ में कितना क्या भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन उसमें इतने स्वाद नहीं आता तुम्हारी झूठे बेर में जो आनंद आया। कृष्ण भगवान जब शांति दूत बन कर गए थे, बोले दुर्योधन की मेवा त्याग साथ विदुर घर खाए ठाकुर जी हैं। विदुर घर में केले की छिलका खाए, साग भाजी ठाकुर जी खाए। इसलिए भगवान प्रेम में बसीभूत होकर के जब राजस्व यज्ञ हो रहा था, सब लोग तो बड़े बड़े सेवा बांट लिया, लेकिन दो सेवा रह गई, सबसे जो छोटे सेवा है, एक है जुटी को संभालेगा और दूसरी सेवा ये ब्राह्मण का चरण को कौन धोएगा? ठाकुर जी कहते मैं धोऊंगा, मैं संतों के चरण मैं धोऊंगा, ब्राह्मण का चरण को मैं धोऊंगा, और मैं क्या करूँगा? ज्योति संभालूंगा। हैं ठाकुर जी जब प्रेम में बसी हुई होकर भी, जब महाभारत युद्ध हो रहा था, भगवान क्या कौन सा काम किया? अर्जुन का सारथी बने। बताओ सारथी का काम कौन करता है? छोटे जाति के लोग करते हैं, लेकिन भगवान भक्त का वशीभूत होकर के ठाकुर जी सारथी का ठाकुर जी काम किए। इसलिए कहते सबसे ऊंची और एक छोटी कहानी सुनो। कहते नृप सेवा की, एक नाई था, इसका रोजाना काम था दुर्योधन के शरीर में तेल मालिश करना और उसको बाल काटना, उसको स्नान कराना। लेकिन इधर उधर क्या था, बड़ा संत सेवक, कोई अगर संत आ जाए ना उनको जरूर सेवा करता था। वो जिस समय में वो जाएगा दुर्योधन की सेवा करने के लिए, ठीक उसी समय में घर में कुछ संत आ गए, अभी वो दिव्यधा में पड़ गया, अभी क्या करनी चाहिए? अगर ये संत सेवा छोड़ता हूँ, भगवान तो संतों के हृदय में बैठे रहते हैं, अगर संत खुश हो गए तो ठाकुर खुश हो जाएंगे। अगर ये दुर्योधन सेवा करने जाता हूँ संत सेवा छूटेगा, अगर संत सेवा करता हूँ दुर्योधन की सेवा छूटेगा। बोले ये दुष्ट का तो मैं सेवा करता रहता हूँ, हैं ये दुष्ट का मैं सेवा करता रहता हूँ, संत सेवा तो सहज में नहीं मिलता। बोले आज जो कुछ होगा देखा जाएगा, आज हम संतों का सेवा करेंगे। बढ़िया बढ़िया मैंने खाना बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और संतों को जिमवाया। लेकिन इधर ठाकुर जी को चिंता लग गया। बोले क्या चिंता लग गया? ये दुर्योधन दुष्ट है, अगर टाइम से नहीं जाएगा ना सेवा करने के लिए, हो सकता है नौकर से ये निकाल दे। इतने में कृष्ण स्वयं ये नाई का रूप धारण करके दुर्योधन के पास में पहुंच गए और जाकर ना दुर्योधन का शरीर में तेल लगाना शुरू कर दिया। कौन लगा रहे थे? ठाकुर जी। जब भगवान के हाथ का स्पर्श हो रहा था, उसको रोंगट खड़े होते जा रहा था, आंखों से आंसू बह रहा था। बोले भैया तेरे हाथ में क्या कोई जादू है ना? क्या तो शरीर में हाथ लगाते ही मेरे रोंगट खड़े हो रहा है, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही है, हैं भैया तेरे हाथ में कोई जादू है ना? क्या वो इतना खुश हो गया, इतने खुश हो गया, उसको गले में जो हार था ना गजमती हार, उन्होंने निकाल करके नाई के गले में पहुंचा दिया। नाई कौन था बोलो? नाई कौन था? ठाकुर जी। लेकिन ये पहना है तो नाई के गले में, लेकिन वो अपने आप ना वो जा करके माला डाल गया नाई की गला में, और नाई संतों की सेवा करते हुए लेट में आया, सोच रहा था हो ना हो ये दुष्ट मेरे नौकरी से निकाल नहीं थे, नहीं तो दंड नहीं थे। लेकिन जब नाई पहुंच करके दुर्योधन से बोले, देखो आज आने में मेरी देर हो गई, अरे मेरे को छोटे अतिथि आ गए थे, सेवा करते करते देर हो गई, अपराध माफ कर देना। दुर्योधन ने कहा भैया क्यों?
आज तुमने इतने मेरी सेवा की, इतने सेवा की, इतने आनंद मेरे को तो कभी मिला ही नहीं। बोले भैया पिता आज 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 नहीं आ पाया, अतिथि आ गए थे। बोले नहीं आ पाया। इतने में दुर्योधन ने कहा, ओ तेरे को मैंने इतनी कीमती हार दे दिया ना, इसलिए तो एंड रहे हो, अभिमान हो रहा है। लेकिन उसको पता नहीं इसको गले में हार पहना हुआ। दुर्योधन ने इसे हार को पकड़ा और खींच लिया। जब खींच लिया, बोले भैया मेरे गले में हार कहाँ से आ गया? मेरे गले में तो कोई हार थी नहीं, वो हार कहाँ से आ गया? वो तो संत से भी था ना। ओ, आज मैंने संतों की सेवा की ना, इसलिए ठाकुर जी मेरे रूप धारण करते हुए आए और दुर्योधन ने मेरी सेवा की। आज ठाकुर जी को ये दुष्ट की सेवा करना पड़ा। ठाकुर जी को आज से और इस दुष्ट का मैं सेवा नहीं करूंगा, नौकर से रिजाइन दे दिया। देखो ये चीज को समझो, कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन बल अन्युपाते तेसान नित्या भी जुगता नाम योगाक्षयम बहाम्यम। इतने बड़े प्रतिज्ञा, इसको अच्छे तरह से सुन लो, ध्यान लगा करके। कोई कहते ना अरे भगवान के लिए करेंगे तो क्या होगा? देखो कृष्ण गीता में कितने बड़े प्रतिज्ञा की। भगवान कहते जो व्यक्ति हर समय मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में, मेरे भक्ति में डूबा रहता है, उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। पहले पहला क्या करता हूँ, अगर उसके घर में कुछ नहीं होना, सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ। अगर उसके घर में कोई चीज हो, मैं स्वयं एक दरबान बनकर के उसको मैं रखवाली करता हूँ। इतने बड़े काम ठाकुर जी करते हैं। आप लोगों ने तुलसीदास का नाम सुने हो? कौन तुलसीदास का नाम जानते हो? हाथ उठाओ। तो सब जानते हो तुलसीदास जी। ये पहले भजन कर रहे थे, लेकिन देखो ठाकुर जी कैसे रचना करते हैं। भजन कर रहे थे, छोटी सी कुटिया कुछ नहीं, एक कंबल या एक लोटा कुछ नहीं। बाबा बैठ करके दिन रात रघुपति राघव राजा राम पति तवावन सीता राम, दिन भर भजन करते थे बाबा। एक समय दो चोर चोरी करने आ पहुंचे। जब पहुंचे उन्होंने देखा स्वयं राम लक्ष्मण वहां पर रखवाली कर रहे हैं। चोर तो नहीं जानते, धनुष बाण लिए हुए, मुकुट पहने हुए, सारा शरीर में हीरे जवाहरात से जड़े हुए। चोर तो खुश हो गए, अरे वाह बाबा को बहुत बड़े सुंदर चेले हैं, जब ये सो जाएंगे ना सब माल लूट कर ले जाए। लेकिन वो तो तुलसीदास को रखा कर रहे थे। वो चोर रात भर बैठ रहे, ये सो जाएंगे तो चोरी करेंगे। लेकिन जो दो बालक थे ना, रात भर ही कुटिया को चारों तरफ पे जगते रहे, पहरा देते रहे। लेकिन जब सवेर हो गया, बोले सोए ही नहीं, चोर भाग गए। लेकिन जब भाग गए ना, ठाकुर को दर्शन किया ना, उनका मन नहीं भरा। फिर दोबारा सवेर आए, आकर के तुलसीदास को सही बात बता दिया। बोले बाबा रात को तो हम तुम्हारे घर में कुटिया में चोरी करने आए थे, लेकिन हम देखा तुम्हारे दो चेले बड़े सुंदर थे, एक श्याम रंग का एक गौर रंग का, और दोनों मुकुट और धनुष बाण पहने हुए लगाए हुए थे, ए सारा शरीर में हीरे जवाहरात जड़ा हुआ था। तुम्हारे दो चेले कहाँ गए भैया? तुलसीदास ने बोले भैया जिंदगी में मैंने कभी चेले ही नहीं बनाए। जब उन्होंने वर्णना किया ना, धनुष बाण लिए हुए दोनों एकदम नवजुवाक थे, श्याम और गौर रंग के पीताम्बर नीलाम्बर, वो समझ गए मेरे प्रभु थे। कौन थे? राम और लक्ष्मण थे। इतने में जो चोर को चरण में तुलसीदास गिर पड़े, बोले भैया मैं भजन करते करते जो ठाकुर का दर्शन नहीं कर पाए, तुमने चोरी करने के लिए आए तो श्री ठाकुर को तुमने दर्शन कर दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो अगर तुम भगवान की भक्ति ठीक ठीक करो ना, इसलिए करते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है तेरी कृपा से सारे। इसलिए क्या करो, एक मन से भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कहते ऐसे जो भगवान ही, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजामि। ऐसे जो भगवान ये युग युग में अवतीर्ण होते हैं, इसलिए भागवत में भगवान की 26 अवतार की कथा है। पहला जो अवतार है भगवान की, ब्रह्मा जी की मानस पुत्र चतुसर सृष्टि में सर्वप्रथम। ये जो चतुसर है, जो पद्म पुराण में कथा सुन रहे थे ना, जिन्होंने ये भागवत कथा सुनाए, नारद जी को सुनाए, जिसमें ज्ञान वैराग जग उठे और नाचने लग गए हैं। और इनका जो उम्र हर समय 5 साल उम्र की,
कभी इनका उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं रहते, नंगे धड़के सर्वत्र घूमते रहते और भगवान की भक्ति करते रहते, कभी इनका उम्र नहीं बढ़ता। बोले इनकी उम्र बढ़ती नहीं घटती नहीं क्यों? बोले कारण है ये जो चार चतुष्ण है, कहीं अगर कथा सुनाने को मिले तो सुना लग जाते। अगर कोई कथा सुनने वाले नहीं हो, एक भैया तो व्यास नदी पर बैठेगा और तीनों भैया सामने बैठ जाए, बस हर समय भगवान की कथा बोलते रहते। इसलिए भागवत में बताए कि जो सूरज है ना, ये सूरज नहीं ये काल है। ये कौन है? काल। हम कहते ना हम कितना उम्र हो गया, बोले हम 30 साल का हो गए, 40 साल का हो गए, मोच हाथ लगा लें। कहते भैया 40 साल के नहीं हो गया तुमने, 30-20 के नहीं, तुम्हारे 40 साल खत्म हो गया है। 30 साल खत्म हो गए तुम्हारी, तुम बढ़ नहीं रहे हो। हम कहते ना लाला बड़ा हो रहा है, कोई भैया बड़े नहीं हो रहे, सब छोटे हो रहे। आप बताओ छोटे हो रहे ना बड़े हो रहे हो? छोटे हो रहे ना, इसलिए हम कोई बड़े नहीं हो रहे, सब छोटे हो रहे। लेकिन सबका परमाय को ये काल खत्म करता है, लेकिन एक व्यक्ति का परमाय काल खत्म नहीं करता है। बल्कि इसके लिए बोले तस्सरि तेजम क्षणम नीत उत्तमा श्लोक वार्ताया। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं, हरि नाम करते हैं, जैसे भागवत कथा सुन रहे हो ना, तुम्हारी परमाय खत्म नहीं हो रहा है, तुम्हारी परमाय बढ़ रहा है, तुम्हारी परमाय ये बढ़ रहा है, परमाय तुम्हारी खत्म नहीं हो रहे हैं। इसलिए कभी दिन रात प्रभु की भक्ति करते हैं, इसलिए कभी बड़े नहीं होते, हर समय एक उम्र के रहते हैं। ये भगवान की पहला अवतार है। दूसरा अवतार है भगवान से बराह रूप में आए। हाँ देखो यहाँ पर कहते हैं सांप का समय में चार काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? या क्या बोलो? पहला नंबर है शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति शाम का समय में भोजन करेगा ना, हर समय वो बीमार रहेगा, कभी इसका बीमारी सही नहीं होगा। हैं? दूसरा काम है शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए। अगर कोई शाम का समय में सोएगा ना, माँ लक्ष्मी कभी घर में नहीं आए, उस घर में दरिद्र का हर संग रहेगा। इसलिए कहते हैं माता है जल्दी सो जानी चाहिए और जल्दी भी सवेरे उठनी चाहिए। सूर्य उदय को बाद में जो सोएगा ना, उसको घर में भी लक्ष्मी नहीं है। इसलिए बोले चार तरह का स्नान है। कितने तरह का स्नान है? क्या क्या? बोले एक ऋषि स्नान, एक देव स्नान, एक नर स्नान और एक राक्षस स्नान है। कहते ऋषि स्नान किसको कहते हैं? बोले जो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले, ये ब्रह्म मुहूर्त, उसी समय जो स्नान कर लेता है, और ऋषि मुनि लोग उसी समय में स्नान करते हैं। जो उसी समय स्नान करेंगे ना, आप देखना शरीर का आधार रोग अपने आप खत्म हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाता है, भजन में मन लगता है। दूसरा स्नान है देव स्नान। क्या देवता कब स्नान करते हैं? सूर्य उदय होने से पहले नहा लेते हैं। कहते नर स्नान जो इंसान का स्नान, जब सूर्य उदय हो तभी जो स्नान कर लेते हैं नर स्नान। कहते राक्षस स्नान किसको करते हैं? बोले सूर्य उदय होने का बाद जो स्नान करते हैं उसको राक्षस स्नान करते हैं। ठीक है ना? कौन सा स्नान करते हो बोलो? बोलो कौन सा स्नान करते हो? इसलिए कम से कम कोशिश करो नर स्नान करने के लिए। ठीक है ना? कम से कम सूर्य उदय जिस समय हो रहा है उसी समय में नहा लो। आप देख लेना जो सूर्य उदय होने से पहले नहाएगा ना, घर में लक्ष्मी भी आएगी, घर में लक्ष्मी आएगी। सूर्य उदय का सो रहे हो, कहते शंकर जी के जितने भूत पिशाच, ये सब के पिशाच है, सब घूमते रहते हैं शाम का समय में जो सोते हैं, शंकर जी भी अपना भूत पिशाचों के साथ घूमते हैं। देखो क्या हुआ, क्यों शाम का समय में नहीं सोनी चाहिए? बा उसी समय में सोने से क्या होगा, लक्ष्मी घर में नहीं आएगी। पर जो चौथा जो चीज है, ठीक शाम का समय में सहवास, मतलब पति पत्नी नहीं मिलनी चाहिए, सहवास नहीं करनी चाहिए। करोगे तो जो बेटा होगा ना राक्षस होकर जन्म लेगा। इसलिए भागवत में कथा आती है श्री दीति और अदि, ये कश्यप की दो पत्नी। एक समय दीति ठीक शाम का समय में बड़ी सुंदर अपना शरीर को श्रृंगार करके है सीसा को सामने खड़ी हुई, खड़ी होकर के श्रृंगार कर रही थी। जब श्रृंगार की वो देखने में तो बड़ी सुंदर थी, अभी अपना श्रृंगार को देख करके ना, सुंदरता को देख करके उसके अंदर में काम भाव की जागृत हुई। उसने कश्यप ऋषि से बोले,
कश्यप ने जैसा देखो दीदी ये समय अच्छा नहीं है, इस समय में शंकर जी भूत पिशाचों को लेकर घूमते हैं, इस समय मिलना अच्छा नहीं। लेकिन वो इतने काम में आतुर हो गई थी, उसने जोर जबरदस्ती पति से मिला। जब पति से मिला, पति ने कहा देखो तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुम्हारे पेट में राक्षस जन्म लेंगे, एक एक राक्षस नहीं दो दो राक्षस जन्म लेंगे, कौन और हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु दो राक्षस जन्म लेंगे, अभी तो दुखी हो गए। पति की चरण में गिर पड़े, बोले मैं बहुत कामातुर हो गई थी, मेरे अपराध को माफ कर दो। माफी मांगे तो बोले ठीक है, तुम्हारी बेटा तो राक्षस होंगे लेकिन तुम्हारा जो पोता होगा ना बेटा का बेटा, ये भगवान की भक्त बन करके आएगा, इसलिए इस हिरण्यकश्यप का बेटा कौन बना, कौन बना, प्रहलाद महाराज बन करके आए हैं, इसलिए हिरण्यकश्यप बने। और भगवान ने वराह अवतार में क्या किया और नरसिंह अवतार में ये दोनों को उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप को दोनों को ठाकुर ने वध किया है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई जय कोई हे बोलते हो, हर कुछ कुछ माताओं का मुंह से जय भी नहीं निकलता, जो जितने जोर से जय कर जयकार करते ना उतना तुम्हारी पाप खत्म होगी, उतना तुम्हारी जय होगी। ठीक है, बोले श्रीमद भागवत कथा मृता की जय। इसलिए भगवान की जो तीसरा अवतार हुए भगवान से नारद बन कर आए, आप लोगों ने सब नारद जी में जानते हो, इनके बगैर ठाकुर का कोई लीला ही नहीं हुआ है। राम लीला देखो, कृष्ण लीला देखो, कोई भी लीला देखो है ना, यही मूल नायक हैं, इनकी कृपा से। और नारद जी की अगर किसकी संग अगर नारद जी को मिल गया ना, बड़ा पार हो जाएगा, नारद जी का संग मिल गया तो। देखो श्री कहते श्री दक्ष प्रजापति इन्होंने 1000 पुत्र को जन्म दिया, कितने बच्चे जन्म दिया, 1000 बच्चे को जन्म दे सकते हैं। लेकिन पहले जो सृष्टि था ना, पहले जो सृष्टि था वो सृष्टि था मन से सृष्टि होता, शरीर की सृष्टि नहीं। मनु महाराज जब आए यहीं से, ये पति पत्नी मिलन से जो बच्चा आए यहीं से हुई, लेकिन उसको पहले जो था वो मन से शब्द सब सृष्टि होता था, तब उन्होंने 10000 पुत्र को जन्म दिया। और पहले ये नियम होता था गुरुकुल में सबके सब 25 साल तक पढ़ने जाते थे, तो उन्होंने उनको गुरुकुल में भेज दिया। जब गुरुकुल में भेज दिया उनकी पढ़ाई समाप्त हो गई, अभी वो आ रहे थे संसार करने के लिए, तब श्री नारद जी ने पूछा देखो बच्चों अभी तुम घर गृहस्थी करने जा रहे हो, लेकिन सावधान ये संसार को समझ करके जाओ नहीं तो फंस जाओगे। निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, बता सकते हो कौन सा बिल जिसमें घुस जाओ तो निकल नहीं पाओ। बोले गुरु जी किसी बिल में जाएगा तो निकलता आ जाएंगे, यही तो बात है, ऐसे कौन सा बिल जिसमें एक बार घुसोगे निकलने का तुम्हारी कोई रास्ता नहीं मिलेगा, बताओ तो कौन सा बीज, बोलो कौन सा बीज है, कहते ये संसार है। क्या है ये, घर गृहस्थी है। आप देख लेना सामने एक समस्या, आप देखना सोचते होंगे और एक समस्या खत्म हो जाएंगे ना भैया चैन मिलेगा, आप देखना एक समस्या तो खत्म नहीं, दूसरी समस्या, दूसरा तो नहीं गई, तीसरा समस्या। फिर क्या माताएं सोचती है, बोले देखो अगर किसी तरह से बच्चे जन्म हो गया, अगर बच्चे को किसी तरह से पढ़ाई लिखाई कर दो ना, बस सब चिंता दूर हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई करानी है, फिर उसकी नौकरी होनी चाहिए, अगर नौकरी किसी तरह से लग जाए तो बस खत्म, हमारी समस्या खत्म, नौकरी लग गया समस्या खत्म हो गई, उसको शादी कराओ, बच्चे को शादी कराओ, माताएं बात मत करो, कहते अगर बच्चे का शादी करा दिया ना बस सब समस्या खत्म, उसको बाद में तो खूब वृंदावन जाऊंगा दर्शन के लिए, खूब सत्संग में जाऊंगा कथा सुनता, और कोई संसार की टेंशन नहीं, घर में बहू आ जाएगी और गरम गरम पराठा रोटी खिलाएगी, घी लगा करके बैठ बैठ कर खाऊंगी। लेकिन जब से शादी नहीं हुआ था ना बेटा का, तब तक कभी वृंदावन चले जाते होंगे, साधु संगम में चले जाते होंगे, जब से बहू आ गई ना घर से निकलने का फुर्सत नहीं होता। अगर कोई नाती पोती हो गई फिर तो गया तुम्हारी घूमना, बोले टोकरी दिन भर घूमती रहती हो,
हैं, बच्चे को पकड़ती नहीं, डबरी घूमती रहती है, राम में जाती बहु घर ताना मारती रहेगी। आप देखना ये संसार ऐसे है ना, ये ऐसे के बिल, जिस बिल में एक बार घुस जाओ तो निकलने का कोई तुम्हें रास्ता नहीं मिलता है। बोले बताओ तो ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई घुमाते नहीं, वो चक्र अपने आप घूमते हैं। बताओ तो कौन सा चक्र? हाँ कभी ये है काल चक्र है, ये चक्र को कोई नहीं घुमाते, ये चक्र अपने आप ये घूमते रहते हैं। पता नहीं कब जन्म हुए, बड़े हो गए हैं, फिर धीरे 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 पढ़ाई लिखाई शादी शुदा कर दिए, धीरे धीरे हाथ में कमजोरी आ गई, दांत भी धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया, चमड़ी ढीली पड़ गई और रामना सत्य हो गया, रामना सत्य हो गया। इसलिए इनका तीसरा प्रश्न है, बताओ तो ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र बात बोलता है। बोले गुरु जी हंस थोड़ी बोलता है, बोले यही तो प्रश्न है, ऐसे कौन सा हंस जो विचित्र विचित्र बात कहता है। बोले हमारी ये गीता रामायण ये भागवत ये क्या बोलता, विचित्र विचित्र बात, मतलब क्या भैया? ये तुम्हारी घर मकान नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम तो रिंकू जी होकर के दो दिन के लिए यहाँ आए हो, यहाँ करुणा में कितने लोग गए है, कहाँ गए सब के सब, ये तुम्हारी घर नहीं, घर कहाँ है, घर भगवान के चरण में। इसलिए भैया जब तक तू अपना घर में नहीं पहुंच जाओगे ना, तब तक तुमको चैन नहीं मिलेगी। देखना जैसे कहीं तुमने घूमने के लिए गए, बढ़िया से बढ़िया होटल में रहे, बढ़िया से बढ़िया होटल, अब देख लेना भले ही तुम्हारी घर छोटी सी घर है, लेकिन जब छोटी सी घर में आ जाओगे ना, क्या बोलते हो, कहाँ आ गए हो? बोले भैया अपना घर में आ गए। अगर छोटी सी घर क्यों नहीं हो, अगर वो चैन जो मिलेगा ना, वो चैन विदेश में बढ़िया से बढ़िया होटल में भी वो चैन तुम्हें नहीं मिलेगी। कहते उसी तरह जब तक हम अपनी सही घर में नहीं पहुंच जाएंगे ना भैया, तब तक चैन नहीं। इसलिए क्या करो, अपना घर में वापस चलो। बोले कहाँ पर? बोले ठाकुर जी की चरण में। जब वही जाओगे ना, सही चैन तुमको वही मिलेगी, यहाँ पर तो सब बेचैन से बेचैन से, कोई चैन में यहाँ पर है ही नहीं है। इसलिए उन्होंने बोले बताओ तो ऐसे कौन सा स्त्री है जो बिना बुलाए अपने आप घर में घूमती है, घूमती रहती है, उसको कोई बुलाते नहीं, वो अपने आप घर में घूमती रहती है, उससे कोई भी शादी करना नहीं चाहते, लेकिन ये जो जबरदस्ती पकड़ करके सबसे शादी कर लेती है। बता सकते हो ऐसे कौन है जिससे कोई भी शादी करना नहीं चाहती, लेकिन वो जोर जबरदस्ती पकड़ करके शादी कर लेती है? हाँ ये मृत्यु है। बताओ कौन मरना चाहते हो? अभी करुणा आई ना, सबके सब घर घुस गए, कोई घर से निकली, कोई मरना नहीं चाहती। आप बताओ एक दिन मरना पड़ेगा कि नहीं? वो जोर जबरदस्ती शादी कर लेती है सबको है। बोले बताओ तो पिताजी की आदेश क्या है? पिताजी ने आदेश क्या दिया है? बोले पिता का हमको आपको पास में लिखा पढ़ाने सीखने के लिए भेजा। बोले नहीं ये पिता नहीं, तुम्हारे जो परम पिता जो परमात्मा जो भगवान ने तुमको क्या आदेश दिया है? देखो ठाकुर ने एक ही आदेश दिया है, बोले स्मर्तव्य सततम विष्णु भी स्मर्तव्य न जात चित। उनका एक ही आदेश है बच्चों, हर समय उनको याद करते रहो, हर समय क्या करो उनको याद करते रहो। आदेश क्या नहीं, कभी उनको भूलना नहीं, उनको कभी भूलना नहीं। और एक ही आदेश है, हर समय क्या करो, भगवान को स्मरण करते रहो। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम। आप लोग को बोलो मैं सुनूंगा जोर से, जोर से आवाज नहीं आ रही। इसलिए नारद जी बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने ज्ञान बताई, वो ज्ञान को पा करके ना सब के सब भगवान की भक्त बन गए। इसलिए नारद जी का जिनकी संग मिल गया ना, उनको बेड़ा पार, नारद जी बेड़ा पार कर दिए। ये भगवान की तीसरा बता, भगवान की जो चौथा बता रहे हैं ठाकुर जी, नर नारायण ऋषि रूप में बद्री का आश्रम पर ठाकुर जी भजन कर रहे हैं। बद्रीनाथ कौन गए हो? हाथ उठा तो बद्रीनाथ कौन गए? एक ही व्यक्ति गए, कोई नहीं गए। आप बताओ तो बद्रीनाथ कौन जाना चाहते हो? सब जाना चाहते हो, सही सही बोल रहे हो, सही सही।
ठीक है, एक बार हम प्रोग्राम बनाएंगे, आप सबको हम बद्रीनाथ ले जाएंगे। देखो बद्रीनाथ की कथा सुनो, बद्रीनाथ जाने से क्या मिलता है, हैं? एक समय श्री नारद जी ये मरते जगत में आए, घर घर में गए, सबसे उन्होंने पूछा भैया घर में मंगल शांति सुख है कि नहीं। सब लोग तो सर हिलाए, हम सबके सब सुख शांति नहीं, लेकिन जब उन्होंने अंदर की बात पूछा है ना, देखा संसार में कोई भी सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। देखा सबके सब संसार में दुखी है। नारद जी गए वैकुंठ में, देखा भगवान अनंत नाग बड़े सहने के लिए माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रहे हैं और भगवान मीठे मीठे मुस्कुरा रहे हैं। इतने में नारद जी बोले प्रभु दुनिया को तुमने बनाया, दुनिया में सब दुखी दुखी और यहाँ तो आप आनंद ले रहे हो। बोले प्रभु जी बड़े व्यक्ति जो करते हैं ना, छोटे व्यक्ति उसको देख करके सीखते हैं। तो नारायण बोले मेरे को समझ में नहीं आया, समझाओ क्या बोलना चाहते हो। बोले जगत का पिता तो आप ही ना, जगत का मालिक तो आप ही, दुनिया तो आप ही बनाए। बोले हाँ मैंने बनाए। बोले आप जो करोगे तो दुनिया तो आपको सीखेगा। बोले क्या कर रहा हूँ। बोले आप देखना हर समय देखना भगवान अनंत नाग पर सहने की होगी, माँ लक्ष्मी को देखना हर समय प्रभु का चरण कभी नहीं छोड़ती, अपना गोद में लेकर के दिन भर सेवा करते हुए देखो। बोले आप तो अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए हो, दुनिया बोलेगा जब ठाकुर जी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर हम भी दिन भर पड़ लें। बोले नारद जी सीधा बोलो क्या बोलना चाहते। बोले प्रभु जी जब तक ये जीव तुम्हारी भजन नहीं करेगा ना, कल सुन रहे थे ना गोस्वामी जी कहते हैं बारी मत है ग्रीव सिकताते वरुते बिनु हरि भजन न भवत। ये सिद्धांत अपे, ये अटल सिद्धांत है। जब तक जीव प्रभु की भक्ति नहीं करे तब तक जीव को मुक्ति नहीं, तब तक जीव को शांति सुख नहीं मिलेगा। भले ही कोई बोले रेती पीस पीस कर तेल निकाल दिया, कोई भले ही बोले पानी मंथन करके घी निकाल दिया, ये असंभव संभव हो सकता है। अगर कोई बोले हम भगवान की भक्ति नहीं करते सुखी रहेंगे, कभी ऐसे हो ही नहीं सकता है। लेकिन सीखेगा कब से, श्रेष्ठ व्यक्ति से। जैसे बच्चा है ना पिता माता को देख कर तो बच्चा सीखता है ना, बच्चा कहाँ से संस्कार पढ़ता है। पहला गुरु कौन है, माता और पिता। पिता माता देखना जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। अगर पिता माता दिन भर अगर प्रभु का नाम करते हैं, गीता रामायण पढ़ते, बच्चे भी वही करेंगे। अगर मैया अगर दिन भर स्मार्टफोन लेकर बैठी हुई, दिन भर टीवी देख रही, फिर बच्चा वही सीख जाएगा। हैं? इसलिए आप जो करोगे, पहला गुरु माँ और पिता पहला गुरु है, ठीक है ना। मतलब आप जो करेंगे बच्चे तो वही सीखेंगे आपसे। बोले आपका लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए जीव, बोले हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हैं। बोले बताओ क्या करनी चाहिए। बोले प्रभु जी आप थोड़ी सी भक्ति करो, आप थोड़ा साधन करो, तपस्या करो, आपसे देख करके जीव सीखेगा। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। बोले कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए भजन के लिए। भ्रमण करते करते बद्रीनाथ में पहुंचे। अब बद्रीनाथ तो गए नहीं हम लोगों ने, जो गए पता कितने सुंदर स्थान, झरना झर रही है बड़े सुंदर, अलकानंदा गंगा बह रही है, हैं? वहां पर इतने सुंदर है, तप्त कुंड वहां पर है, वहां जाओगे ना लगता है सचमुच से कोई स्वर्ग लोक में आ गए। कितने सुंदर वहां पर परिवेश है, नर नारायण पर्वत सुगंध शिला अपूर्व मनोरम स्थान वहां पर है। इसलिए और वहां पर जो सरस्वती भी निकल रही है वहीं से, और अलकनंदा कलकनंदा से बह रही है, हैं? वहां से गंगा प्रवाहित हो रही, बड़ा सुंदर स्थान है। जब वहां पर पहुंचे ठाकुर जी, बोले स्थान तो बहुत बढ़िया स्थान, यहीं पर बैठ करके हम भजन करते हैं। लेकिन पहले बद्रीनाथ में श्री भोले बाबा रहते थे। अभी ठाकुर जी ने देखा अभी ये शंकर जी को यहाँ से भगना पड़ेगा, शंकर जी तो जाएंगे नहीं यहाँ से, वैसे क्या करनी चाहिए। वहां पर तप्त तो कुंड है, कभी जाओगे दर्शन करोगे, है तप्त तो कुंड। रोज शंकर पार्वती वहां स्नान करने के लिए आते थे। इतने में ठाकुर जी ने किया क्या, नारायण ने छोटी सी बालक रूप धारण करके बर्फ को बर्फा पढ़कर रोना शुरू कर दिया। शंकर जी आगे आगे चल रहे थे, शंकर जी समझ गए भैया बता रहे मुझे पाला है। लेकिन पीछे पीछे माँ पार्वती आ रही थी। माता का हृदय बड़े कोमल होता है, हैं? देखा छोटा नन्हा सा बच्चा कितना सुंदर, ठाकुर जी थे ना, उन्होंने देख करके ठाकुर जी को गोद में ले लिया। शंकर जी से बोले आप ये छोटा बच्चा दिखाई नहीं। बोले नारद तो बोले पार्वती दारू मुझे ताला दिखना है, ये बच्चा कहाँ से आएगा।
बोले छोटा सा बच्चा रो रहा है बर्फ के ऊपर में, आप डाले मुझे डाले ही, मैं बच्चे को घर में सुला करके आती हूँ। भैया पार्वती गई सुला करके आई, दोनों सप्त कुंड में स्नान करके जब आए ना, वो कौन थे, बच्चा कौन था, बोलो कौन थे, वो ठाकुर जी थे, नारायण स्वयं थे। जब वो घर में सुलाए ना, ठाकुर जी अंदर से कुंडी बन गए। जब शंकर जी आए दरवाजा खोले, खटखटाए खोलो, वो खोले नहीं। शंकर जी बोला देखा मैं पहले से मना कर रहा था और तुमने घर में सुला दिया, तो पूरा घर ही दखल कर दिया। फिर शंकर जी ध्यान लगाए ये बच्चा कौन है, देखा ये मेरे प्रभु जी है, मेरे प्रभु यहीं बन रहा हो, मैं केदारनाथ जा रहा। फिर शंकर जी बद्रीनाथ छोड़ करके वो केदारनाथ चले गए। इसलिए वहां पर नर और नारायण दोनों तपस्या कर रहे हैं, भगवान का वरदान है। केवल एक बार कोई बद्रीनाथ में चले जाए, एक बार ठाकुर को दर्शन कर ले, कहते संसार में फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान जो तपस्या कर रहे हैं, कहते मेरी तपस्या का छठवा भाग का फल मेरे को दर्शन मात्र से जीव को प्राप्त होगा। इसलिए पहले पहले लोग, आपको पता होगा, जब बड़े बूढ़े हो जाते थे ना, ये चारिधाम दर्शन के लिए जाते थे और जाने से पहले परिवार से बोलते थे, बोले देखो हमारी श्राद्ध क्रिया कर लेंगे, हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे बता नहीं सकते। क्यों, पहले जो रास्ता होता था बड़ा घना घोर रास्ता, छोटी सी रास्ता, पेड़ पकड़ पकड़ करके महीना महीना लग जाती थी दर्शन के लिए, हैं? और वहां कितना ठंडी आपको पता होगा, कब तक गए नहीं। इसलिए कहते लगता है हम वापस नहीं आएंगे, हमारे श्राद्ध क्रिया कर ले, बोल कर चले जाते। लेकिन अभी तो बढ़िया रोड बन गया, अभी वहाँ टूरिस्ट प्लेस भी बन गया, लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। 10 दिन में ये केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री आप 10 दिन में घूम कर घर में चले आओ। केवल 10 दिन में सब घूम करके चले आओगे, पहले तो एक धाम दर्शन करना। आप लोग तो गए नहीं, हमने गया जो यमुनोत्री जो दर्शन है ना, हे भगवान इतने चढ़ाई, पूरा ऐसे चढ़ाई है एकदम, किसको पर गधे कहते, खचड़ के ऊपर बैठ कर, घोड़े के ऊपर बैठ कर, एक व्यक्ति मुंह पकड़ता है और किसी तरह से लेकर के ऊपर जाकर के दर्शन कराता है। इसलिए बड़ा घना घोर दर्शन ये है, रास्ता है। लेकिन अभी 10 दिन में पूरी हो जाएगी दर्शन, जाओगे सबके सब, कौन जाओगे, हाथ उठा कोशिश एक बार करेंगे, एक बार कोशिश करेंगे सबको लेकर के। और जब यहाँ बहुत गर्मी पड़ता है ना, तब वहां जाने का एक अलग आनंद है। यहाँ गर्मी है लेकिन वहां पर तो मोटे मोटे कम्बल 2-3 ओढ़ना पड़ेगा, इतने ठंडी उधर है। बोले श्री बद्री विशाल की, बोले श्री बद्री नारायण की। यदि भगवान की चौथा बता रहे, कहते ऐसे ही उन्होंने मत्स्य ब्रह्मा वराह नृसिंह बामन परशुराम राम कृष्ण बलराम बुद्ध कल्कि, उन्होंने ऐसे ही उन्होंने 26 अवतार का नाम ले लिया। लेकिन उन्होंने लेते लेते बोले जो कृष्ण है ये भी एक अवतार। सुतो गोस्वामी डर गए, बोले कृष्ण तो अवतार है ही नहीं, कृष्ण अवतारी। अवतारी मतलब होता है जिनसे ये सारे अवतार आते हैं। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज वसाम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। यदि भगवान कृष्ण कौन है, ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है और ये सनातन भगवान कृष्ण है। इसलिए उन्होंने भगवान के लिए फिर एक अलग श्लोक बनाए, बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यन्ति युगे। बोले हे सौनकादृशियों, अभी तक मैंने जितने अवतारों का नाम लिया है, ये भगवान कृष्ण की कोई अंश का कोई अंश है, लेकिन ये जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र। इसलिए जब भगवान कृष्ण को हम भक्ति करते हैं, हम लोग महाभारत देखे कि नहीं, कौन कौन टीवी में महाभारत देखा, हाथ उठा दो। आप देखना जिस समय अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा है, बल्कि परिवार लोग को मार कर क्या लाभ है, खून से सने हुए राज्य को हम भोग करना नहीं चाहते हैं, हम तो सन्यासी बन करके चले जाएंगे, इसी तरह से माथुरी करके अपना जीविका निर्वाह कर ले। उसी समय भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने विराट रूप दिखाया। देखे कि नहीं विराट रूप, कौन कौन देखे हो, देखे अच्छी चीज समझा रहा हूँ, ये चीज को दिमाग में बैठा लो। इसलिए कृष्ण उन्होंने विराट रूप दिखाया, बोले हे अर्जुन देख मैं कौन हूँ,
ये जो अनंत बड़ी जो विश्व ब्रह्मांड है ना, ये सब के सब मेरे अंदर विद्यमान है। जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो, देखो ये ब्रह्मा मेरे अंदर है। अच्छे तक समझ रहे कि नहीं? जिसको तुम शंकर कहते हो, वो शंकर मेरे अंदर में, देखो। जिसको तुम महादेवी कहते हो, देखो महादेवी मेरे में। जिसको तुम गणेश कहते हो, देखो गणेश मेरे में ही। जिसको तुम हनुमान कहते हो, देखो हनुमान मेरे में। जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण जो 33 करोड़ देवता, हे अर्जुन, ये सब के सब मेरे अंदर, मेरे को छोड़ करके जगत में और कुछ है ही नहीं। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है, कृष्ण उदाहरण देते हैं, जैसे एक फूल की माला है, देखो मेरे तरफ में, जैसे एक फूल की माला है। हाँ बताओ, इसके अंदर में धागा दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, लेकिन ये अंदर में धागा है, इसलिए एक फूल को देख करके माला बना है। अगर वो धागा को अगर तोड़ देंगे तो बताओ ये फूल रहेगा, माला बनी रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मत परतरम नान्य किंचित धनंजय मई सर्वविदं प्रोक्तम सूत्र मणि बनाए। जैसे कि मणि की माला, अंदर में धागा में कोक होकर मणि की माला बनाते हैं, ये अनंत बड़े विश्व ब्रह्मांड संगरी अंदर देख ले। इसलिए मेरे से कोई परतर को जगत में कुछ है ही नहीं, दुनिया का सब कुछ मालिक मैं हूँ। इसलिए कृष्ण क्या कहते, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब इस जगत में स्त्री ब्राह्मण संत गौ पृथ्वी के ऊपर अत्याचार होती है, मैं तब तक जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और स्त्री गौ ब्राह्मण पृथ्वी में रक्षा करता हूँ, है भगवान कहते हैं। इसलिए जब भगवान कृष्ण के अंदर में 33 करोड़ देवता, जब हम भगवान कृष्णों को भक्ति कर लिया ना, ये 33 करोड़ देवता अपने आप पूजा हो गए, सबको पूजा हो गया है। लेकिन जगत में तो 33 करोड़ देवता, बताओ कितने को खुश करोगे? एक को खुश करोगे ना, दूसरे मुंह फुलाने लग जाएंगे, अब तीसरे को खुश करोगे तो 14 मेरे पीछा लग जाएगा, मतलब मेरे को पूजा नहीं किया। अगर पंचमा अगर खुश बंद करते हो ना, छठवा फिर तुम्हारे पीछे लग जाएगी। इसलिए जगत में तो 33 करोड़ देवता, अब कितने को खुश करोगे? लेकिन ये कृष्ण ऐसे के देवता है, जब कृष्ण कृपा हो जाए ना, भगवान कृपा हो जाए, बोलते हैं ना, जहाँ पर कृपा हरि की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिसको ऊपर में कृष्ण की बांके बिहारी कृपा हो जाएगा, उसको ऊपर में सब देवा देवी उसको ऊपर में कृपा कर लेंगे। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, देखो अगर जिसको पैसा चाहिए, कौन सा देवी को पूजा करते हो? बोलो माँ लक्ष्मी को। और जिसको विद्या चाहिए, किसको पूजा करते हो? सरस्वती को। जिसको रिद्धि सिद्धि चाहिए, किसको पूजा करते हो? गणेश जी को। हैं, जिसको शक्ति चाहिए, ताकत, किसको पूजा करते हैं? हनुमान जी को देखना पूजा करते हैं। और जिसको बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, कहती है अदिति माता को पूजा करते हैं। और जिसको सुंदर स्त्री चाहिए, बोले गंधर्व जी को उपासना करो, सुंदर स्त्री मिलेगा। अगर सुंदर जो पति चाहते, कार्तिक को पूजा करो, बड़े सुंदर पति मिलेगा। इसलिए वहां पर देखना, उन्होंने एक एक देवता को पूजा करने पर एक एक चीज मिलेगा बताने। तब बीच में श्री परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, कहते आप तो कह रहे हो एक एक चीज को पाने के लिए अलग अलग देवता को पूजा करो, ऐसे कोई देवता है कि आपके पास में एक देवता जो एक को पूजा करने पर सब मिल जाएगा, और एक को पूजा करने पर मुक्ति मिल जाएगी? अगर इसकी मन में कोई भी इच्छा नहीं हो, कोई भी इच्छा नहीं हो, मुक्ति की इच्छा, इसकी पूजा करेगा, ऐसे कोई देवता का नाम क्या है जो एक पूजा कर सबको मिल जाएगी ना? ऐसे भी देवता बोले, उसका नाम बोलो ना, क्यों कह रहे हो इसको पूजा करो ये मिलेगा, इसको पूजा करो ये मिलेगा? अगर एक कट्टे कोई विद्या चाहता है, पैसा चाहता है, सुंदर पत्नी चाहता है, सुंदर पति चाहता है, घर मकान दुकान बढ़िया चाहता है, वो देवता का नाम बताओ ना जो एक को पूजा करे सबको मिल जाए। देखो क्या कहते हैं, बोले अकाम सर्व काम वक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति जोगिना जजेत पुरुषम परम। बल अकाम, अकाम मतलब होता है जो निष्काम रूप में भजन करना चाहते, बोले सर्व काम वा सब कुछ चाहते, घर का सब कुछ मिले, मोक्ष काम संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, बोले किसको पूजा करें? बोले भगवान मां के बिहार को। जिसकी पूजा करने से
जीवन में सब कुछ मिल जाएगी, फिर इधर उधर होकर भटकने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए भागवत में देखोगे ना जितने सब कथा है, प्रहलाद महाराज इसको पूजा करते थे, भगवान कृष्ण नरसिंह देव थे, ध्रुव जी किसको उपासना करते थे, नारायण की, गोपियां किसको पूजा करती थी, कृष्ण की, सूरदास किसकी पूजा करती थी, भगवान कृष्ण की, अम्बरीश महाराज किसको पूजा करते थे, कृष्ण की, भरत महाराज किसको, भागवत में जितने सब कथा देखोगे ना सब भगवान की भक्ति करने वाले, और राजा नहीं सब महाराज, सब सब महाराज थे, सबके सब राजा नहीं महाराज थे। इसलिए कृष्ण जो वस्तु देते हैं ना इसी जगत में भी सुख में रहोगे, उसको बाद में तो आनंद ही आनंद है ठाकुर लोग पास में। लेकिन जो देवा देवी है ना इधर उधर जो देवा देवी पूजा करोगे थोड़ी समय के लिए, ये सांसारिक वस्तु भोग उसको थोड़ी समय के लिए देगी, मरने के बाद इसे खत्म है, ये कुछ भी साथ में जाएगा नहीं, बल्कि इसको पाकर अभिमान हो जाता है, माया के बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण ऐसे के देवता हैं जिनको भक्ति करने पर उन्होंने दो उदाहरण दिया है, आपको समझ में आ रहे कि नहीं, उन्होंने दो आपको उदाहरण दिया, जैसे कि वृक्ष है, पेड़ है, अगर पेड़ का जड़ में पानी दे दो ना, फल पत्ते फूल में पानी देने का जरूरत है, जरूरत नहीं, पेड़ का जड़ में पानी दो देखना पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं दे, उसको टहनिया में पानी दे, उसको फल में दे, उसको फूल में दो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं, नहीं रहेगा। दूसरा उदाहरण दिया है जैसे भोजन हम कहाँ देते हैं, मुंह में भोजन देते हैं, अगर मुंह में भोजन दोगे ना आंख भी काम करेगा, सर दिमाग भी ठीक रहेगा, हाथ भी काम करेगा, प्यार भी काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति मुंह में खाना नहीं देगा, कान में थोड़ा दाल देगा, हाथ में थोड़ा रोटी दे दे, नाक में थोड़ा है चावल दे दे, फिर जिंदा रहोगे, जिंदा नहीं रहोगे। कहते उसी तरह कहते जो अच्युत जो भगवान कृष्ण जब हम उनकी भक्ति करते हैं, मानो जड़ में तुमने पानी दे दिया, मुंह में तुमने पानी दे दिया, सारे देवा देवी उसको घर में अपने आप खुश हो जाएगी। जैसे हमारे भारत का अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोलो कौन भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री मोदी, मिस्टर मोदी हैं। उन्होंने जैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग पोस्ट दिया, किसको रेल मंत्री बना दिया, किसको बिजली का मंत्री बना दिया, किसको अर्थ मंत्री बना दिया, किसको राज्य मंत्री, मोदी ने तो दिया सबको अलग अलग काम दे दिया ना। लेकिन जब कोई मोदी का सरने में आ जाए ये सबके सब तुम्हारे पास में अपने आप अनुकूल हो जाएंगे हैं। उसी तरह जो भगवान कृष्ण है ये सारे 33 करोड़ देवता उन्होंने एक एक उन्होंने पोस्ट प्रदान किया है। जब कोई भगवान की चरण में कोई आ जाता है ना, इसलिए कहते जा पर कृपा हरि की वही ता पर कृपा बोलो तुम लोग, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए यहाँ पर सुतो गोस्वामी कहते भैया कृष्ण भक्ति करो, नहीं तो कितने देवा देवी को पूजा करोगे, भटकते रहोगे दुनिया में। और जो भक्ति एकनिष्ठ होनी चाहिए, भक्ति बहुनिष्ठ नहीं होनी चाहिए हैं। बड़े श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे पर हाथ उठा बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। सभी पर हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त भगवत तथा श्रोत मंडली माता प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवत की ये भागीरथी गंगा जो बहते बहते हमारे द्वार तक आई है, इसमें हम गोता लगाते लगाते और भागवत की महिमा सुनी और किस प्रकार शौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किए, तो उन 6 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर अभी तक हम लोगों ने श्रवण किया। अभी जब सुत गोस्वामी ये सब कथा सुना रहे थे उसी समय पर शौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया कि आप हमें दया करके जो श्रोता और वक्ता जो हरि कथा के श्रोता अर्थात श्री परीक्षित महाराज और वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी उनके विषय में भी कुछ थोड़ा बताइए। तो समय पर परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जीवन चरित्र श्री सुत गोस्वामी वर्णन करना आरंभ करते हैं। कहते हैं हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी पैदा हुए 16 साल तक मातृगर्भ में रहे और मातृगर्भ से बाहर निकलने के बाद ही सीधा वन की ओर चले गए संन्यास लेकर। अभी इतना सुंदर ग्रंथ जब श्री वेदव्यास जी ने रचना किया वो मन ही मन विचार कर रहे हैं कि इसको पढ़ने का योग्य पात्र कौन है, इसको श्रवण करने का ये ग्रंथ मैं आखिर पढ़ाऊं किसको, तो उन्हें स्मरण आया मेरे बेटा सुखदेव गोस्वामी वो ही एकमात्र योग्य पात्र है इसको श्रवण करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ को श्रवण कर लिए जिस प्रकार बता रहे थे निर्मत सराणाम सताम, और वो कौन है, परनिष्ठ अपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक वार्तया, पूर्ण रूप में ब्रह्म में प्रतिष्ठित होके और ब्रह्म में लीन होने के लिए वो वन को गमन जा चुके हैं, वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए वो ही एकमात्र योग्य पात्र है। लेकिन अभी उसे वापस कैसे लाया जाए? तब वेदव्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला के उन सबको एक एक श्लोक सिखा दिया। बोले मेरा एक तोता कहीं खो गया है, उसे ढूंढ के लाना पड़ेगा। बोले जंगल में तो इतने सारे तोते हैं, हम आपका तोता पहचानेंगे कैसे? तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मंत्र सिखा रहा हूँ, तुम ये मंत्र जाकर जब जंगल में बोलोगे और जो तोता स्वयं ही आ जाएगा, समझ लेना वही मेरा तोता है। बोले ठीक है भैया। पहला शिष्य वो जब जंगल में गया उसने वहाँ पर कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन करना चालू किया। वो सुंदर श्लोक के माध्यम से वर्णन करता है, तो पहला शिष्य वहां पर कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहता है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशयम वैजयंतिम चमालाम रंध्रान वेणुरदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविश गीत कीर्ति। भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है उसके बारे में गोपियों ने जो वेणु गीत ने वर्णन किया है। यहाँ पर पहला शिष्य वही श्लोक उच्चारण करने लग गया। बोले कृष्ण का सुंदर स्वरूप कैसा है? बरहा पीड़म अर्थात सिर पर मयूर पुच्छ धारण कर रखा है, पीतांबर पहने हुए हैं, गले में वैजंती माला है, हाथों में मुरली सुशोभित है, सखाओं के साथ में परिवेष्टित हैं, और जब वन की ओर गमन कर रहे हैं सखा उनकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण ने आज इस असुर को मारा, कृष्ण ने ऐसा किया था, कृष्ण ने वैसा किया था। सखाओं से परिवेष्टित होकर जब कृष्ण वन में गमन करते हैं गोचारण के उद्देश्य से, बड़ा ही सुंदर उनका स्वरूप है। कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप की महिमा सुन के और सुखदेव गोस्वामी जो पूर्ण रूप में ब्रह्म में प्रतिष्ठित थे वो तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले भैया ऐसा कौन है, ऐसा त्रिभंग ललित स्वरूप पीतांबर पहने हुए गले में वन माला है, सर पर मयूर पुच्छ है और जिनको देखकर त्रिभुवन आकर्षित हो रहा है, ऐसा सुंदर आखिर है कौन? भागते भागते आए, भागते भागते आकर बोला भैया तुमको ये किसने कहा, ऐसा कौन है, ये श्लोक तुमने कहाँ सुना? बोले हमारे गुरुदेव ने हमें बतलाया। बोले तुम्हारे गुरुदेव ने ये क्यों कहा? हमारे गुरुदेव कह रहे थे कि मेरा एक तोता खो गया है, उसे पकड़ के ले आओ और जो तोता ये श्लोक सुन के स्वयं आ जाएगा
बोले वही तोता मेरा तोता है। बोले हाँ भैया वो मैं वही हूँ। तभी दूसरा श्लोक दूसरा शिष्य उच्चारण करने लग गया, कहते हैं कि उनका नाम क्या है, तुमने सुंदर स्वरूप तो उनका वर्णन किया पर नाम क्या है। तब दूसरा शिष्य कहने लगा, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कह रहे उनका नाम क्या है, कृष्णाय, उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण अर्थात क्री का अर्थ होता है जो सबको आकर्षित कर ले, स्न अर्थात जो आनंद प्रदान करे। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है श्याम, काला। काला मतलब कैसा, कोस्तार जैसा काला नहीं। कृष्ण का उदाहरण देते हैं, कृष्ण का कैसा, कृष्ण की अंगकांति कैसी है, बोले इंद्रनील मणि, इंद्रनील मणि के समान। कृष्ण को हम लोग कहते हैं ना घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम का क्या अर्थ है, जिस प्रकार आकाश में घने घने मेघ छा जाते हैं बारिश से पहले, जब काले काले मेघ छा जाते हैं आकाश में, तो उस समय पर जैसे श्याम वर्ण होता है वैसा ही श्याम वर्ण कृष्ण का है। इतना सुंदर, सर्व मनोहर, सर्व आकर्षक उनका नाम कृष्ण है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, उनको घनश्याम नाम क्यों दिया, मेघ के साथ तुलना क्यों करी। इसलिए मेघ का एक नाम है करुणा। मेघ के अंदर क्या होता है, पानी ना, जल होता है, तो जल का एक नाम होता है कृपा। और जब घनश्याम अर्थात सारा ये संसार जो समुद्र से पानी वाष्प होके और एकत्रित होता है, जब वो घनीभूत अवस्था हो जाती है वही मेघ होता है। इसी प्रकार कृष्ण कौन है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण भी कृपा की समुद्र हैं। इसलिए कृष्ण को बताया, यहाँ पर कृष्ण उनका नाम दे रहे हैं। बोले नाम क्या है, कृष्ण। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो आपको किसी स्त्री के लिए, किसी लड़की के लिए एक सुंदर वर देखना हो, तो वर देखने जब हम जाते हैं पहले क्या देखते हैं, बोले भैया लड़का दिखने में कैसा है, दिखने में कैसा है। अच्छा दिखने में तो बढ़िया है, लंबा चौड़ा फिट है, गोरा रंग है, लेकिन नाम क्या है। तो इसलिए दूसरे श्लोक के माध्यम से उनका नाम बताया, नाम बताया। और क्या बता रहे हैं, परिवार में कौन कौन है, वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारा है। बोले भैया देवकी वसुदेव, नंद यशोदा जिनके माता पिता हैं, वो साधारण नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण हैं। तभी तीसरा शिष्य तीसरा श्लोक बोलने लगा, बोले भैया रहते कहाँ हैं। तब कहते हैं जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदत्रही दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि घृता सव स्वाम विचिन्वते। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, रहते कहाँ हैं, बोले ब्रज धाम में। ब्रज धाम कैसा है, चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष। बोले ब्रज धाम ऐसा है, जब कृष्ण का ब्रज धाम में जन्म हुआ है तो वहां पर साक्षात वो लक्ष्मी के क्रीड़ा भूमि बन गई, लक्ष्मी वहां पर नृत्य करने लगे, लक्ष्मी वहां पर क्रीड़ा भूमि बन गई। इसलिए कहते हैं रमा रमा क्रीड़ा नृपभूत, कह रहे हैं जब से कृष्ण का ब्रज में जन्म हुआ साक्षात लक्ष्मी वहां पर विराजमान है। और एक नहीं, ब्रह्मा जी तो स्वयं कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमाना, कि अनंत अनंत लक्ष्मियां, जैसे नौकर सेवा करता है ना घर में, नौकर जैसे डर भयभीत होके कहीं मालिक मुझे नौकरी से निकाल ना दे, इस भय से जिस प्रकार नौकर घर में सेवा करता है उसी प्रकार लक्ष्मियां उस ब्रज में सेवा कर रही हैं। ऐसा सर्वश्रेष्ठ धाम है कृष्ण का। बोले भैया रहने के लिए भी बड़ा बढ़िया स्थान है, देखने में सुंदर है, नाम भी बड़ा बढ़िया है, परिवार भी बहुत अच्छा है और घर भी बहुत बढ़िया है, सब धन ऐश्वर्य भी है घर में। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं गुंडा मवाली हो, गुण भी अच्छे होने चाहिए, रूप का क्या करेंगे, जब भी मान लो गुण ही ना हो अच्छे, हाँ घर में यदि कोई आए उससे लड़ना झगड़ना यदि चालू कर दे तो क्या करेंगे। बोले नहीं नहीं गुणों का वर्णन यदि करेंगे तो उनकी तो सीमा ही नहीं, गुणार्णव, कह रहे हैं उनके गुण तो इतने सर्वश्रेष्ठ हैं। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंगाशया पायेत अप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिम उचितम किं वा दयालु शरणं व्रजेमा लेभे गतिम धात्री उचितम किं वा दयालु शरणं व्रजेमा। पूतना जो राक्षसी, कृष्ण जब 6 दिन के थे हम आगे श्रवण करेंगे, राक्षसी एक सुंदर स्वरूप धारण करके आई, किस उद्देश्य से,
कृष्ण को मारने के उद्देश्य से अपने स्तन में कालकूट जहर लेके आई थी, लेकिन उस पूतना को भी कृष्ण ने धात्री की गति प्रदान करी। तो इसलिए गुण अवगुण प्रभु देखो न खाओ, प्रभु इतने दयालु हैं कि किसी के गुण अवगुण नहीं देखते। यदि हमारा हृदय खोल के यदि हम विचार करें देखेंगे, हमारे हृदय के अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य भरा हुआ है, इतना गंदा हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन उन अवगुण को नहीं देखते हुए प्रभु क्या करा, ऐसी पूतना जो राक्षसी थी उसको भी इतना सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान किया। माँ धात्रोचित अर्थात माँ जैसी गति प्रदान करी है, तो इससे बताओ इससे ज्यादा दयालु कोई होगा, इससे ज्यादा दयालु और कोई नहीं। इसलिए कहते हैं श्री भक्त वत्सल भगवान की। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने चारों श्लोक सुने, हाथ उठा करके और किम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, किम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे चित्कार करते हुए क्या चले गए, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पास में आ गए हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भी पहले ब्रह्म का ध्यान करते थे पूर्ण रूप से, जो निराकार कृष्ण को रूप नहीं मानते थे, निराकार निर्विशेष उनका कोई स्वरूप नहीं है, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते थे। उन्होंने जब कृष्ण का सुंदर स्वरूप की झांकी एक बार दर्शन करी, कृष्ण के अनंत गुणों के बारे में श्रवण किया, तो वो भी बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अद्वैत विधि पतिखेर उपास्य स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्ष शठेन केना पिवयम हटेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। कह रहे हैं मैं पूर्ण रूप से ब्रह्म में परिनिष्ठित था और स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, इस ब्रह्म में मैं बड़े ही ऊंचे पद पर भी पहुंच गया था, लेकिन इतना होने पर भी जैसे ही मैंने कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन सुना, जैसे ही उनका एक बार दर्शन हुआ, दासी कृता गोप वधु बिटेना, मैं उनकी दासी बन गई, मैं उनकी दासी बन गई। बोले भैया दासी बनना था तो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के बनते, कोई सम्माननीय व्यक्ति के यदि दास बनते तब तो कोई बात भी थी, दास किसके बने, गोप वधु बिटेना। अरे भैया जो गोपियां जो गैया चराने वाली गोपियों के पीछे 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 घूमता है उस शठ उस लंपट के मैं दास बन गया, ऐसे इस कृष्ण के गुण हैं। इसलिए कृष्ण के अनंत अनंत गुणों का वहां पर वर्णन करते हुए व्यासदेव जी श्री सुत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज जो इतने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म में लीन थे, उन्होंने भी जब कृष्ण के स्वरूप का वर्णन सुना तो वो भी इस भागवत कथा को श्रवण करने के लोभ से व्यासदेव जी के पास में उपस्थित हुए हैं। बोलो श्री परीक्षित महाराज की, बोलो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की। उसके बाद में कहते हैं अब भैया तुमने वक्ता का तो चरित्र बता दिया, थोड़ा श्रोता के बारे में भी बता दो। तो श्रोता कौन है, श्रोता कौन है, परीक्षित महाराज। कहते हैं ये भी साधारण नहीं, ये भी साधारण नहीं। तब वहां पर बता रहे हैं किस प्रकार महाभारत के युद्ध के समय पर जब अंतिम युद्ध होने जा रहा है धृतराष्ट्र और दुर्योधन और भीम के बीच में, अंतिम युद्ध होगा गधा युद्ध। गधा युद्ध के अंदर नियम था कि कमर से नीचे कोई वार नहीं करेगा, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, भीम को इशारा करके और कृष्ण को भीम को इशारा करके और कपटता से क्या किया, उसकी जंगा पर प्रहार करवाया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय पर दुर्योधन ने अपनी जंगा पर हाथ मार मार कर क्या कह रहा था, बोले द्रौपदी को विवस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठा दो। उसी जंगा को तोड़ने का प्रण लिया था भीम ने। तो आज गदा युद्ध के अंदर कृष्ण ने इशारा करके और कपटता से क्या किया है, दुर्योधन की जंगा ही तोड़ दी, दुर्योधन की जंगा ही तोड़ दी और कटे हुए केले के वृक्ष के समान वहां पर वो रणभूमि में पड़ा हुआ है, कटे हुए केले की भांति वहां पर रणभूमि में पड़ा हुआ है। जैसे शाम का समय हुआ है, आकाश के अंदर कौवे बाघ चित्कार कर रहे हैं, वहां पर सारे चित्कार करते हुए और कृष्ण दुर्योधन का मांस नोच नोच कर खाने के लिए वहां पर आ रहे हैं, किसी प्रकार गदा को घुमा घुमा कर अपनी रक्षा कर रहा है। और उसी समय पर अश्वत्थामा आया है, अश्वत्थामा को आता देखकर उसको थोड़ा सा संतोष हुआ, लेकिन अश्वत्थामा भी उसको खरी खोटी सुनाने लगा। बोले दुर्योधन जानते हो तुम्हारी अवस्था क्यों हुई, तुमने द्रोण को भीष्म को कर्ण को तुम्हें इन सब पे विश्वास था, तुमने उनको अपना सेनापति पद नियुक्त किया, लेकिन इसलिए तुम्हारी आज ये अवस्था हुई है। यदि तुम मुझे सेनापति नियुक्त करते तो पंच पांडव का सराज तुम्हारे चरणों में होता। तब उस समय पर दुर्योधन ने क्या किया, अपने रक्त से उसको राज्य अभिषेक कर दिया, उसको तिलक लगा के और उसे कहा कि आज तुम मेरे सेनापति हुए और मेरी एक अंतिम इच्छा है, अभी मैं मरणासन स्थिति पे हूं, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि यदि मैं हम सौ भाई
हम 100 भाई में से 100 के 100 मारा गए, लेकिन पंच पांडव में से किसी एक का भी बाल बाका नहीं हुआ। यहाँ पर देखो कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, जिसकी कृष्ण रक्षा करते हैं, जाको राखे साइया बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हुई। कृष्ण साक्षात जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, कुंती देवी अपने पुत्रों को लेकर और कृष्ण के पास में गई है, बोले कृष्ण मैंने अपने पुत्र तुम्हें समर्पित किए, अब इनकी रक्षा का भार तुम्हारा है। तभी कृष्ण ने भी प्रण लिया कि कौन्ते प्रतिजानी नामे भक्त्या प्रवेश्यति। तो इसलिए पंच पांडव का एक बाल भी बाका नहीं हुआ और हम 100 के 100 पुत्र 100 के 100 महाभाई मारा गए। अगर मेरी ये एक अंतिम इच्छा है कि एक पांडव यदि मृत्यु देख लूं, कोई एक भी, तो मैं चैन से मरूंगा। दुष्ट बुद्धि दुर्बुद्धि की ऐसी मरण के समय पर भी इतनी दुर्बुद्धि है कि अश्वत्थामा को वहीं पर तिलक करके और भेज दिया है पांडवों के शिविर में। अभी अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र और क्षत्रिय के रक्त से किया हुआ तिलक पूर्ण रूप से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। रात का समय था, फिर भी पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और प्रवेश करके वहां पर पांडव तो थे नहीं, कृष्ण अंतर्यामी है। कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उसी दिन कृष्ण ने क्या किया, पांडवों को लेकर किसी और शिविर में चले गए। वहां पर सोए हुए थे पांडवों के 5 पुत्र। द्रौपदी को भीम से जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है, एकदम देखने में भीम जैसा। अर्जुन से जो पुत्र मिला, अर्जुन जैसा। नकुल सहदेव से जो पुत्र हुआ है, एकदम नकुल सहदेव जैसा। अभी रात के समय पर अश्वत्थामा को तो पता नहीं चला, उसने 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया और लेकर आया है दुर्योधन के पास में, रणभूमि में। बोले देखो दुर्योधन, पूरे जीवन जो तुम काम नहीं कर सके, मैं एक रात में सब करके दिखा लाया हूं। एक पांडव क्या, मैं 5 पांडव का सर लेकर आया हूं, ये लो। जैसे ही उसने ये देखा, उसे बड़ा आनंद हुआ। दुर्योधन की बचपन से ही शत्रुता थी पांडवों से, इसलिए जब उसने श्रवण किया कि पांडवों का सिर काट के लेकर आया है अश्वत्थामा, बड़ा ही खुश हुआ। कहा मुझे भीम का सिर दे दो। भीम का सिर हाथ में लेते ही जैसे उसने दबाया है, उसके तो पीस पीस हो गए, चकनाचूर हो गया। उस समय पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले भीम का सर ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गदा युद्ध में मैंने इतने गदा के प्रहार किए, तब पर भी भीम का कुछ भी नहीं हुआ, और केवल हाथ के दबाने मात्र से उसका सर चकनाचूर हो जाएगा। बोले ये तो संभव नहीं है। जैसे ही उस समय पर बिजली कड़की तो देखा, वो भीम और पंच पांडव नहीं, उनके पुत्र हैं। और ये देखने मात्र से तो दुर्योधन बड़ा ही दुखी हो गया। दुखी होने पर अश्वत्थामा को गाली देने लगा, बोले मूर्ख दुर्मति, तुमने क्या अनर्थ कर दिया। अरे हमारे तो सारे पुत्र मर गए थे, ये पंच पांडव के पुत्र भी तो हमारे पुत्र ही थे। अरे हमारी दुश्मनी तो पांडवों से थी, इनके पुत्रों से क्या बैर। कम से कम हमारा पिंड दान करने वाला, श्राद्ध करने वाला कोई तो रहता, आज तुमने उसको भी मार दिया। इतना दुखी हो गया दुर्योधन, और दुर्योधन को यह वरदान था कि जब हर्ष और शोक दोनों उपस्थित होगा, उसी समय पर उसकी मृत्यु होगी। तो इसलिए उसी समय पर दुर्योधन ने प्राण त्याग कर दिए। अश्वत्थामा भी यहां पर सोच रहा है कि अर्जुन जीवित है और अब मुझे वो छोड़ेगा नहीं। तो उस समय पर अश्वत्थामा ने भागने की चेष्टा करी। इस तरफ द्रौपदी ने जैसे ही सुबह उठकर और अपने 5 पुत्र मरे हुए देखे, छाती पीट पीट कर रोने लगी है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, हे कृष्ण ये आज क्या दुर्गति हो गई, मेरे 5 पुत्र यहाँ पर मर गए हैं। पांडवों ने जब वहां पर आकर देखा, अर्जुन स्वयं कृष्ण को लेकर गए हैं अश्वत्थामा की खोज में। अब जिसके सारथी स्वयं कृष्ण बने हुए हो, वो और कितना दूर भागेगा। और जहां जहां पर अश्वत्थामा भाग रहा था, वहां वहां पर देखता कि अर्जुन उसका पीछा कर रहा है, और पशु की भांति उसके गले में फांस डाल के और द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को ला गिराया। लेकिन ये द्रौपदी है ना, द्रौपदी का एक नाम सखी, ये कृष्ण की बड़ी प्रिय भक्त है, अभी वो तो ऐसा अन्याय होने नहीं देगी। ये अश्वत्थामा कौन है, कृपाचार्य का पुत्र, ब्राह्मण पुत्र, ये गुरुपुत्र है ना। और गुरुपुत्र की हत्या वहां पर स्वयं द्रौपदी कहती है कि मुच्यताम मुच्यताम एष, आप इसे छोड़ दो, क्योंकि एक पुत्र की हत्या का क्या शोक होता है मैं जानती हूं। मैंने अपने 5 पुत्र को मरते हुए देखा है, मैं जानती हूं पुत्र शोक क्या होता है। यदि एक तो ये गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र गुरु के समान ही पूजनीय होता है, इसलिए इसे मत मारो। और दूसरी बात, यदि इसकी माँ कृपी, उसे यदि पता चलेगा कि मेरे पुत्र की इस प्रकार दुर्दगति हुई है, इस प्रकार हत्या कर दी गई है, वो भी कितनी दुखी होगी। इसलिए पुत्र शोक क्या होता है मैं भली भांति जान चुकी हूं, इसलिए इसे छोड़ दो। अर्जुन ने लेकिन प्रण किया था कि सूर्यास्त होते होते अश्वत्थामा की गर्दन काट दूंगा।
जैसे ही द्रौपदी ये कहने लगी कि इसे छोड़ दो छोड़ दो, अर्जुन के मन में भी दया आ गई, बेबी भगवान के भक्त हैं। भीम यहां पर उतावले हो रहे हैं, बोले तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। इसने ये आतताई ने क्या किया है, सोते हुए हमारे बालकों की हत्या करी है, इसका आतताई का वध करना निश्चित शास्त्र का विधान है, इसलिए इसे मार दो। तभी उस समय पर भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप लेकर क्या किया, दो हाथ से तो भीम को रोका है, बोले भीम तुम शांत हो जाओ। एक हाथ से अश्वत्थामा की रक्षा करी और एक हाथ से द्रौपदी को शाबाशी दे रहे हैं, बोले प्रिय तुम धन्य हो, सखी तुम सच में मेरी शुद्ध भक्त हो, क्यों, क्योंकि तुमने ही, तुम ऐसा एक भक्त के अलावा कोई आचरण दिखा ही नहीं सकता। उस समय पर क्या किया, अर्जुन ने विचार करके देखा कि क्या ऐसा किया जाए कि इसकी इसे दंड भी मिल जाए, अपराधी को दंड भी मिले और हत्या भी ना हो। उन्होंने क्या किया, उसकी सर में जो मणि थी मणि को निकाल लिया और सिर को तलवार से अलग अलग जगह मुंडन करके पांच चोटी रख दी और इतना अपमानित करके और वहां से खदेड़ते हुए भगा दिया। देखो ब्राह्मण का अपमान मृत्यु तुल्य है, ब्राह्मण किसी सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान कर दिया जाए तो वो भी मृत्यु तुल्य है। जैसे ही अश्वत्थामा ने ये उसकी दयनीय स्थिति हो गई, उसने कहा मैं प्रतिशोध लूंगा, पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। उसने क्या किया, एक साथ में छह ब्रह्मास्त्र प्रयोग किए, पांच पांचों पांडव पे और एक उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में अभी परीक्षित महाराज है, अभिमन्यु को तो उन्होंने पहले ही चक्रव्यूह के अंदर मार दिया था और अभी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज हैं। जैसे ही ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया है, यहाँ पर उत्तरा भगवान के शरण में आके बड़े सुंदर रूप में प्रार्थना करती है, पाहि पाहि माया योगे देव देव जगतपति दर्शन। कहते हैं यहाँ पर कि जैसे ही भगवान, हे पाहि माम भगवान आप मेरी रक्षा करो, वहां पर भगवान कहते हैं कि अरे द्रौपदी उत्तरा, तुम्हारे ससुर, पांच ससुर, इतने धनुर्धर, इतने गदाधारी, इतने तलवारबाजी में सर्वश्रेष्ठ, सब वहां पर उपस्थित हैं। इन्होंने महाभारत में 11 अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया, उनको मार गिराया, तो तुम रक्षा के लिए मेरे पास क्यों आ रही हो, अपने ससुर के पास भी तो जा सकती थी। उत्तरा यहाँ पर कहती है कि प्रभु मारना तो ये लोग कर सकते हैं, लेकिन जीवन दान प्रदान करना एकमात्र आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, आप ही दयामय है और आप ही मेरे गर्भ में जो संतान है उसकी रक्षा करिए। मैं यदि मर जाऊं कोई दुख नहीं, लेकिन इन पांडवों का अंतिम संतान मेरे गर्भ में है, तो आप इनके वंशज की रक्षा कीजिए। उस समय पर भक्तवत्सल भगवान ने क्या किया है, स्वयं गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने आयुध शंख चक्र गदा पद्म का प्रयोग करते हुए परीक्षित महाराज की रक्षा करी। परीक्षित महाराज को, इसलिए परीक्षित महाराज का एक और नाम है विष्णु रात। सुखदेव गोस्वामी उनका नाम बताया ब्रह्म रात और परीक्षित महाराज को बताया विष्णु रात। रात अर्थात ददानी, तो दान करना अर्थात विष्णु ने ही जिनको जीवन दान प्रदान किया है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने से परीक्षित महाराज तो मर ही चुके थे, लेकिन पुनः उन्हें जीवन दान दिया किसने, भगवान ने स्वयं उन्हें जीवन दान दिया। इसलिए ये दोनों ही वक्ता और श्रोता दोनों ही इतने सर्वश्रेष्ठ हैं जिनको गर्भ में ही भगवान का दर्शन मिला है, भगवान की कृपा मिली है। जब इस प्रकार वक्ता और श्रोता दोनों का जीवन चरित्र श्री सूत गोस्वामी ने बताया है, उसके बाद में आगे की कथा आरंभ हुई है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अजानुलंबितभ्य कनकावदातो
संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंबर द्विजवरो शुभधर्मपालो वंदे जगत्प्रियतरो करुणावतारो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य शिवोर भक्तवृंद। और एक बार हाथ उठा के बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर दशी सिंह भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, युति की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुभव गुरुपाद पद्म रूपानुभव गुरुवर्ग परम गुरुदेव वर्ग स्वपार सदस्य गुरुपाद स्वपार सदस्य गौर नित्यानंद प्रभु स्वपार सदस्य परिकर श्री गोल किशोर जी उपस्थित समस्त श्रोता मंडली भक्तवृंद वैष्णववृंद समस्त चरण में अधम का जिथा जो के दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण हरे बोल। अच्छा ऊपर ऊपर आ जा बाबा ऊपर आ जा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण अंदर में जाओ इधर 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 आ जा। हम लोग दो तीन दिन से श्रीमद् भागवतम मनुष्य जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट फल है श्रीमद् भागवतम सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं। और कथा सुनते सुनते आज गुरुपाद पद्म ने बताया कि भगवान का 24 अवतार है। यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी पाद अभी अभी हम श्रवण किए सुखदेव गोस्वामी पाद बोल रहे हैं ये वक्ता है और ये परीक्षित महाराज कौन है ये श्रोता है। इन्होंने पहले ही महात्मा में बता दिया कि क्या है कि जो श्रीमद् भागवतम वो उनमें भक्तों का भी चरित्र है और भगवान का भी चरित्र है। अब तक तो ये भगवान का अवतार समूह बताने गए लेकिन परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि हे प्रभु कृपया आप भक्तों का भी चरित्र सुनाओ। तब इन्होंने चतुर्थ स्कंद में अष्टम अध्याय में श्री एक भक्त का नाम लेते हुए भक्त चरित्र सुनाते हैं सुनाना शुरू करते हैं। ये ध्रुव महाराज जी का चरित्र ये सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं बता रहे हैं। जो ब्रह्मा जी से दो एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए स्वयंभुव मनु और सत्यरूपा। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं देखो कल है चौथा दिन कथा की कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले इसलिए बोलते ना नंद के आनंद भाई जय कन्हैया। कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले कल भगवान नरसिंह देव जन्म होंगे कल भगवान वामन सारे भगवान कल जन्म लेने वाले। जब मैया दशरथ गर्भ धारण की ब्रज की जितनी गोपियां थी ना वो 6-6 महीना पहले 84 सुंदरी बना करके रखे और जितने गोप थे पुरुष लोग थे सबके साथ बड़े सुंदर धोती बगलबंदी पगड़ी बना करके रखे। जब नंद के लाला होगा तो हम सबके सब इसको पहन करके बधाई हम देने के लिए जाएंगे। इसलिए कल भगवान कृष्ण जन्म हो रहे हैं भगवान कृष्ण धाम की भूखे हैं इसलिए कल आप लोग बड़े सुंदर सब धज करके जैसे गोपियाँ आई थी ना सबके सब पीले पीले रंग के साड़ी पहन करके आना। कौन सा रंग के जोर से बोलो अगर नहीं हो तो भले अरे दूसरे से उधार कर लेना लेकिन कोई बात नहीं कोशिश करना अगर पीला रंग हो तो बढ़िया है अगर नहीं हो तो आपके पास में जैसे कपड़ा हो एकदम अच्छे कपड़ा जैसे शादी में जैसे चमक धमक पहन के जाते हैं ना कल ठाकुर जी जन्म लेंगे ना हैं ठाकुर का जन्म उत्सव में आप लोग सब सज धज करके आना और कल बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भाई हो जय कन्हैया लाल अच्छे तरह से उत्सव मनाएंगे। और हो सके तो जैसे बच्चों का जैसे बच्चे का बर्थडे में भगवान जब जैसे टॉफी है चॉकलेट है खिलौना है अगर आप लाओगे तो फिर सब आप लोगों को मिलेगा सबके साथ ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल ध्रुव महाराज की। ये ब्रह्मा जी के दाएं अंग से श्री मनु महाराज उत्पन्न होते हैं और बाएं अंग से शत्रुपा
और मनु महाराज जी के हम सब संतान हैं, इसलिए हमको बोला जाता है मानव। अब देखो ये मनु महाराज जी के 5 संतान है, इनमें 2 उनका पुत्र है और 3 पुत्री। 2 पुत्र कौन कौन है? उत्तानपाद और प्रियव्रत। और इनके जो 3 पुत्री है ये देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो भागवत जी में पहले से इनके 3 पुत्री का जो वंशज को पहले वर्णन देव गोस्वामी पाद, अब ये उत्तानपाद का वंश को वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। जो उत्तानपाद है इनका 2 पत्नी है। उत्तानपाद एक बड़े सम्राट थे, इनका 2 पत्नी सुरुचि और सुनीति। सुरुचि क्या है? स्वच रुचि जस्य, बता रहे हैं जो जिसको अपने में रुचि है, अपने भोग इंद्रिय तर्पण करने में जिसका रुचि है उसको बोलते हैं स्वरुचि। दूसरे भक्ति भक्ति से जिसका कोई लेना देना नहीं है उसको बोलते हैं सुरुचि। लेकिन सुनीति स्वस्थ नीति ही शास्त्र से नीति ही जस्य सुनीति, बता रहे हैं सुनीति क्या है? जो हमारे जीवन धारण में चलने के लिए जो शास्त्र में विधि और निषेध बताया गया कि भैया ये चीज़ मत करो, ये चीज़ को करो, ऐसा इसी चीज़ को ग्रहण करो, इसी चीज़ को छोड़ दो, इसको जो ग्रहण करते हैं जीवन में उसको बोलते हैं सुनीति। देखो हमारे गुरुवर्ग आचार्य वर्ग ने बड़ा अच्छी बात बताया, ये उत्तानपाद, उत्तानपाद कौन है? बोले ये सब हम लोग हैं। कैसे हम लोग हैं? उत्तानपाद मतलब जिसका सर नीचे और पैर 2 ऊपर हो। मातृगर्भ में हम ऐसे ही रहते हैं, हमारा सर नीचे और पैर ऊपर रहता है। देखो अगर हम सुरुचि के संग किया, सुरुचि के संग किया तो कैसा हमारा स्थिति होगा? हमने सुरुचि अर्थात जिसका हमारा विषय में आसक्ति, अपने इंद्रिय तर्पण के लिए कुछ भी किया और शास्त्र के विधि निषेध को कुछ माना नहीं, तो सुरुचि से कौन उत्पन्न हुए? बोल रहे उत्तम। उत्तम यानी जो उत्तम है सो तमो गुणेन श्रेष्ठ जस्य, बोल रहे जो सत्व रज तम गुण है, तम गुण में जो अधिक श्रेष्ठ है, जो चंचल है, जो गंडे बदमाशी है, ऐसा व्यक्ति प्राप्त होगा। लेकिन जो सुनीति, सुनीति यानी अपने जीवन में अच्छा अच्छा कार्य जो शास्त्र में बताया गया है, कंठी तिलक धारण करके गुरु प्रदत्त नाम को जो जप करेगा, उसके गर्भ में कौन जन्म होंगे? बोले ध्रुव महाराज। ध्रुव यानी सत्यम, ध्रुव अर्थात भगवान और ध्रुव अर्थात है एक निश्चय, निश्चय मतलब ध्रुव। तो इसमें बता रहे हैं कि जो सत्यवादी होता है, जो सत्यवादी लोग जो हर समय सत्य बोलते हैं, अपने जीवन में हर समय सुनीति को अपनाते हैं। सुनीति यानी शास्त्र के विधि और निषेध को मानते हैं। लेकिन जिससे शास्त्र वास्त्र का कोई विधि निषेध नहीं मानते, अपने भोग वृत्ति के लिए उल्टा पुल्टा चीज खाते हैं, उल्टा पुल्टा संग करते हैं, उसका क्या होता है? तमोगुण बढ़ता है और वो उनका गति ठीक नहीं होता। हम आगे आगे इसके बात को श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, ये उत्तानपाद बड़े सम्राट थे, बड़े सम्राट होने पर भी इनका जो रुचि था ना, ये सुनीति के ऊपर रुचि नहीं था, इनका जो रुचि था सुरुचि के ऊपर रुचि था। अब देखो सुरुचि मतलब अपने भोग वृत्ति, अपने इंद्रिय तर्पण। एक समय की बात है, ये उत्तानपाद अपने गोद में सुरुचि के जो बेटा कौन है? उत्तम। उत्तम को लेके अपने गोद में खिला रहे हैं और उसको उसके साथ उसको लाड़ दुलार कर रहे हैं। उसी समय वहाँ पे ध्रुव महाराज उपस्थित हुए। ये ध्रुव महाराज किसके बेटे हैं? बोल रहे हैं ये सुनीति के बेटे हैं। अब ध्रुव महाराज चाहते हैं पिता के गोद में जाके बैठ जाएं और बार बार जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये उत्तानपाद ये सुरुचि के भय से उनको गोद में नहीं ले रहे। सुरुचि को डर है क्योंकि इन्होंने सुरुचि को अपनाया है, इसलिए ये ध्रुव महाराज को साथ गोद में ले ही नहीं रहे। तो उसी कारण वो ध्रुव महाराज ये नहीं चाहते हैं कि उत्तम जो उनके भैया है उनको निकाल के रख दो और पिता मुझे आप गोद में बिठाओ, ये नहीं चाहते हैं। बोलते हैं आपका हक है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं आपके पुत्र हूँ, मुझे भी उतना प्यार चाहिए, मुझे भी उतना प्रीति करो, मुझे भी उतना लाड़ दुलार करो। छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं ना, जब आते हैं तो हमारे पास जब आ जाते हैं क्या करते हैं? उसको हम तुरंत गोद में उठा लेते हैं। और अगर छोटे छोटे बच्चे अगर हमारे पास आके बोलने लगते हैं, कुछ कुछ तोतली तोतली वाणी बोलते हैं ना, जब भाषा बोलते हैं, तो इतना खुश हो के हम स्वयं ही उसको गोद में उठा देते हैं स्वाभाविक रूप में। लेकिन ये उत्तानपाद पूरा चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी अपने मन को काबू नहीं किया, अपने मन को सुरुचि यानी इंद्रिय तर्पण में लगाया, इसलिए ध्रुव को अपने गोद में ले ही नहीं रहे। अब ये सब देख के वहाँ पे सुरुचि खड़ी थी। अब सुरुचि ये ध्रुव महाराज जी को बोल रहे हैं, बोले ध्रुव देखो
तुम उत्थान पाद तुम्हारा पिता जरूर हो सकते हैं, तुम राजा का बेटा जरूर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे पिता के गोद में तुम कभी बैठ के खेल नहीं सकते। अरे ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, क्यों नहीं खेल सकता? बोल रहे अगर तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं हुए, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं हुए इसलिए तुम यहाँ खेल नहीं सकते। अगर खेलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। किस प्रकार का बात कर रही है देखो। बोल रहे कि अगर तुम्हें, अगर पिता के गोद में या राज्य के कुछ भी अंश प्राप्त करने के लिए तुम चाहते हो तो मेरे गर्भ से ही तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। मेरे बेटे जब बनोगे तभी उत्थान पाद अपने पिता के गर्भ में तुम खेल सकती हो। तो उसके बाद वो बोलते हैं ध्रुव महाराज ऐसे तो असंभव है। बोल रहे हैं ये ही चलेगा, ये नहीं चलेगा कि तुम वहाँ पिता के गोद में बैठ जाओ। देखो तुम वन में जाके भगवान का भजन करो और भगवान जब प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आएंगे ना, तुम एक वरदान मांग देना कि मैं सुरुचि के गर्भ से प्रभु मुझे जन्म दो। तो इसी प्रकार वो बड़े क्रोध में आ गए ध्रुव महाराज। शास्त्र में बता रहे हैं क्यों क्रोध में आ गए, रोने लगे। बोल रहे हैं ये क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय है। अब देखो क्षत्रिय कभी भी अपमान को सहन नहीं करते, ब्राह्मण सम्मान प्रिय होते हैं। सम्मान नहीं मिले तो ब्राह्मण वहाँ से श्राप देते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्षत्रिय सम्मान प्रिय नहीं है। क्षत्रिय क्या है, अपमान सहन नहीं कर सकते। इनमें 7 गुण है, वीर भद्र और दान तीक्षा, इस प्रकार का जो उनके गुण है उनमें एक गुण है कि वो अपमान को कभी सहन नहीं कर सकते, अपने जीवन में अपमान नहीं सहन कर सकते। उनको तो बड़ा क्रोध आया और रोते 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 अपने माता सुनीति के पास गए। और जैसे सुनीति माता के पास जाते हैं और जिस प्रकार गए कि शास्त्र में बता रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, जिस प्रकार एक सांप को दंडा से पिटाई कर दोगे और वो क्या करेगा, सांप को दंडा से पिटाई करोगे तो वो जैसे फन को खिल के फुतकने लगेगा, जो गुस्सा हो जाएगा, उसी भाव में वो दौड़ते हुए सुनीति माता के पास जाते हैं। अब सुनीति माता को कुछ बोल नहीं पा रहे, रोए जा रहे। इसी समय अंतपुर के कुछ दासियां थे जिन्होंने उसी समय उस जगह पे उपस्थित थे, उन्होंने सब चीज बताया कि मैया आज ऐसा हुआ, सुरुचि माता ने ध्रुव को ऐसा ऐसा बात बताया। तब सुनीति माता उनको अपने आंचल से उनके आंसू और पोंछ करके बोलते हैं देखो बेटा यद्यपि अगर तोते भी कभी जीवन में उपदेश देने वाला बात भी कहे तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। बता रहे हैं तुम्हारे जो विमाता है यानी तुम्हारे जो सुरुचि माता है, ये इन्होंने बड़ा एक अच्छा बात बताया, भगवान के भजन करो। यद्यपि इन्होंने तुम्हारे ऊपर कठोर व्यवहार किया लेकिन एक उपदेश दिया क्या ना, भगवान का भजन करो। अब देखो तुम निश्चिंत होके वन में जाके भगवान का भजन करो। देखो ये सुनीति माता किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, भजन करने के लिए अपने छोटे पुत्र को वन में भेजना चाहते हैं। आ गुरुदेव कल ही बता रहे थे किस प्रकार हर माता अगर खुद आचरण नहीं करेंगे तो उनके बेटे भी, उनके संतान भी आचरणवान नहीं बनेंगे। माता जिस प्रकार, अगर गुरु जी बता रहे थे उल्टा पुल्टा चीज देखेंगे और मोबाइल देखेंगे और हरिनाम भजन नहीं करेंगे, हाँ तो पिता माता नहीं करेंगे तो उनसे बच्चे भी उन वही संस्कार को सीखेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि जीवन में हर समय सुनीति को अपनाना चाहिए। तो सुनीति माता इनको बड़ा अच्छा शिक्षा दे रहे हैं कि जो भगवान होते हैं ना वो बड़े सुंदर होते हैं, वो बड़े तुम्हें करुणा करेंगे, कृपा करेंगे, तुम भगवान के पास जाओ और भजन करो। तब ये ध्रुव महाराज बोलते हैं, बोले मैया मैंने जब भी रोता हूँ आप आंचल से आंसू पोंछ देते हो, लेकिन मैं वन में चला जाऊँगा, वहाँ बहुत कष्ट, तपस्या मतलब क्या, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, तब मैं वहाँ रोऊंगा खाऊंगा पीऊंगा कैसे, मुझे ये बात्सल्य प्रेम कौन देगा। तब सुनीति माता बता रहे हैं मुझसे भी कई गुना श्रेष्ठ जो भगवान है वो कोटि बात्सल्य प्रेम तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। मेरे गोद, पिता के गोद के बाद तुम भूल जाओ, भगवान के गोद में अगर एक बार तुम बैठ गए, भगवान के सन्निध्य में एक बार बैठ गए तो कहीं गुना बात्सल्य प्रेम देंगे, कहीं गुना तुम्हारा रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार का जब सुनीति माता ने ध्रुव महाराज जी को उत्साहित किया तो ध्रुव महाराज घर से निकल गए भजन करने के लिए। जैसे ही घर से निकल गए ये भगवान के जो परिकर नारद जी देखे भाई इतना छोटे उम्र 5 साल के आयु है ये बच्चा निकला है भजन करने के लिए, तपस्या करेगा पता नहीं क्या करेगा। अब नारद जी भगवत इच्छा से वहाँ प्रकट हो गए। अब नारद जी बोल रहे
भाई देखो तुम्हारा आयु क्या है, अभी तो खेल कूद करने का आयु है, 5 साल का आयु क्या करने का आयु होता है बता रहे, खेल कूद करने का आयु है तुम्हारा। ये नारद जी ध्रुव महाराज जी को बोल रहे, तुम अभी खेल कूद करो, क्या तुम्हारा ये भजन वजन है? और मेरा समझ में नहीं आ रहा है, तुम जैसे छोटे बच्चे का मान क्या, मान क्या भैया तुम जरा बताओ, छोटे हो कोई कुछ बोल दिया इसमें मान क्या है और अपमान क्या है, तुम्हें इतना समझ आ गया? तो ध्रुव महाराज बोल रहे मैं क्षत्रिय हूँ। इस प्रकार ध्रुव महाराज सारे घटना को नारद जी को बताया, ऐसे ऐसे मेरे मैं पिता के गोद में जाना चाहता था और मेरे विमाता सुरुचि माता ने मुझे बैठने नहीं दिया, इसलिए मैं निश्चय कर चुका हूँ कि भगवान का भजन करूँगा। तब नारद जी बोलते हैं देखो जो अपने अपने पूर्व जन्म में जो सुकृति करते हैं ना, उनके हिसाब से किसी को दुख मिलता है किसी को सुख मिलता है, एक प्रारब्ध होता है, उसी प्रारब्ध को हर सभी को भोग करना पड़ेगा। देखो कोई नहीं चाहता गरीब परिवार में जन्म ले, लेकिन लेते हैं। कौन धनी परिवार में जन्म लेता है एक ही हॉस्पिटल पे, कोई बड़े धनी परिवार पे जन्म लेता है और कोई बड़े गरीब परिवार में जन्म लेता है, कोई बड़े काला उसका स्वरूप बड़ा काला होता है देखने में घृण्य होता है और कोई बड़े सुंदर होता है। तो भगवान गीता में स्वयं बता रहे हैं सुचिनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्टा भी न जाए थे प्राप्त पुण्यम कृतम लोकम उसी त्व शास्यति समा, बोल रहे हैं कि पहले जन्म में कुछ पुण्य कर लिया तो उसका जो जोग है ना, जो भक्ति वो भ्रष्ट नहीं होता, उसको मैं दो चीज करता हूँ, क्या करता हूँ, या तो उसको सुंदर रूप में किसी ना किसी घर में पैदा कर देता हूँ, या तो धनी घर में उसको अच्छे से भरण पोषण होने वाला परिवार में उसका जन्म देता हूँ। देखो तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने जो भी प्रारब्ध किया है, जो भी कुछ दुष्कर्म किया है या सुकर्म किया है, इस जन्म में वो पाप या पुण्य इस जन्म में भोग करोगे, इस जन्म में वो सुकृति बन के या दुष्कृति बन के इस जन्म में तुम्हें भोग करना पड़ेगा। इसलिए नारद जी बोल रहे हैं, बोले मान अपमान को छोड़ो और छोड़ के घर वापस चले जाओ। और नारद जी बोल रहे हैं, बोले जंगल में भजन कैसे होता है पता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े योगी भी भजन बहुत बहुत साल तक भजन करने के बाद भगवान को नहीं पा सकते, उनका भजन इतना तीव्र भजन करते हैं फिर भी भगवान उनके पास नहीं आते। तुम्हारा आयु तो अभी 5 साल की है, तुम क्या भजन करोगे? बोले जंगल में बहुत सारा शेर होता है चलो। तब उसी समय ध्रुव महाराज जी नारद जी को देखते हैं, बोले आप हो गन, अब तो नारद जी हो ही नहीं सकते, मैंने सुना है नारद जी जिनको मिल गए उनको भगवान मिल गए, नारद जी साक्षात भगवान कृपा करते हैं, नारद जी परम गुरु हैं, आप नारद नहीं हो सकते, आप कैसा बात कर रहे हो? तब नारद जी को यकीन आ गया, भाई ये तो पक्का चेला है इसको ही पकड़ लो। नारद जी ने फिर उनको बोलते हैं देखो बिना गुरु के तुम्हें भगवत प्राप्त नहीं होगा, ये शिक्षा दे रहे हैं नारद जी, बिना गुरु के भगवत प्राप्त नहीं होगा। गोस्वामी जी बता रहे हैं बिनु गुरु भव निधि तरई ना सोई जो बीरंजी शंकर सब होई। क्या बता रहे हैं, बिना गुरु के कोई भव सागर को पार नहीं कर सकता। शिव जी ब्रह्मा जी भी उन्होंने भी गुरु ग्रहण किया है। अगर कोई बोले कि कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण तो जगत गुरु है भाई और गुरु का क्या आवश्यक है, बोले वही जो कृष्ण जगत गुरु है उनका भी उन्होंने भी गुरु ग्रहण किया, संदीपनी ऋषि से उन्होंने गुरु ग्रहण किया। जो राम जी बताओ राम जी का गुरु थे कि नहीं, और बताओ श्रीमन महाप्रभु भी जिस समय आए साक्षात महाप्रभु भगवान होते हुए भी उन्होंने गुरु ग्रहण किया। इसलिए बिना गुरु के भव सिंधु को कोई पार नहीं कर सकता, तुम्हें गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज बोले आपसे श्रेष्ठ गुरु और कौन हो सकते हैं। तब नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होके ध्रुव महाराज जी को मंत्र प्रदान करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र प्रदान करते हैं नारद जी। द्वादश अक्षर मंत्र को जब नारद जी के मुख से श्रवण करते हैं उनका हृदय गदगद हो जाता है परीक्षित ध्रुव महाराज जी का, और प्रणाम करते हैं वो नारद जी को और बता रहे हैं मैं किस जगह पे जाके भजन करूं। तो नारद जी बता बोल रहे हैं कि पुण्यम मधुवनम गच्छ, कि हे ध्रुव महाराज, हे ध्रुव तुम एक काम करो, तुम मधुवन, मधुवन मतलब मथुरा, कौन कौन मथुरा गए हैं, सबके सब गए हो ना, तो मधुवन में चले जाओ। कौन कौन जाना चाहते हैं मथुरा, सब जाना चाहते हैं। कौन कौन जहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या की, कौन कौन गए वहाँ पर? ध्रुव टीला,
एक बार आप सब ले जाएंगे, ठीक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तब उस वहां पे ध्रुव महाराज जी को बोलते हैं कि तुम मथुरा चले जाओ, अभी भी उस स्थान है मथुरा में, गुरु जी बोल रहे थे ना ध्रुव टीला, जिस टीला पे साक्षात ध्रुव जी ने तपस्या करके उनको भगवान भगवत प्राप्त हुआ था, भगवान उनके लिए स्वयं आए थे। बता रहे हैं ध्रुव जी गुरुदेव यानी उनके नारद जी को प्रणाम करते हुए वो मधुबन चले गए, मथुरा चले गए। और मथुरा में क्या है भाई, कौन से नदी है बताओ? यमुना जी। अब यमुना जी में जाके ध्रुव महाराज जी स्नान किए, और स्नान करने के बाद उन्होंने त्रिसंध्या गुरु मंत्र आनी किया, जप किया। और जैसे ही जप करते हैं पूरा त्रिलोक में, जैसे ही उसका 10 बार जप करते हैं पूरा आकाश में देवतागण का दर्शन होता है उनका। फिर उन्होंने रोचक पूरा कुंभक ऐसे करके ध्यान लगाया, ध्यान में बैठे बैठे फिर भगवान का मंत्र जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जाप करने लगे। जाप करते 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 अपने सारे इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाया। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे जाप कर लिया, देखो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव के जो प्रदत्त मंत्र है ना उसको हर समय निष्ठापूर्वक जाप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जाप कर लिया कल जाप नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। हर समय गुरुदेव गुरु प्रदत्त मंत्र को निष्ठापूर्वक जाप करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने निष्ठापूर्वक जाप किया, 1 महीने तक उन्होंने फल और फूल खा के रह गए। और जैसे दूसरा महीना हुआ उन्होंने फल और फूल खाना भी छोड़ दिया, बोले पत्र खाए, किसी किसी पेड़ के पत्ते चबा के खा जाते थे। फिर तीसरा महीना हुआ तो पत्ते खाना छोड़ दिया, जल पान करके भजन करने लगे। फिर जैसे चौथा महीना होता है और जलपान भी छोड़ दिया, वायु हवा को खा खा के तपस्या किए। फिर धीरे धीरे उनका साधन क्रिया बढ़ते जा रहा है। फिर जैसे भी पंचम महीना हुआ, 5 महीने जैसे ही हुआ अपने पूरा इंद्रिय को प्राण रंध्री के द्वारा पूरा का पूरा वायु भी ग्रहण करना छोड़ दिए और पूरा का पूरा ध्यान लगाए। और 6ठे महीना में स्वयं ठाकुर जी दौड़ते हुए आए। किस प्रकार उनका निष्ठा था श्री ध्रुव महाराज जी का यहाँ पे बताए। जैसे भगवान उनके पास दौड़ते हुए आए, बोले दिद्रुक्ष्याम। देवता लोग पूछ रहे हैं प्रभु आप कहाँ जा रहे हो इतने दौड़ दौड़ के, बोले दिद्रुक्ष्याम मैं ध्रुव महाराज जी को दर्शन देने नहीं, मैं तो उनका दर्शन करने जा रहा हूँ। कैसा वो छोटा बच्चा 5 साल का आयु, जो बड़े बड़े योगी ऋषि भी इस प्रकार का साधन नहीं कर पाते, उन्होंने किस प्रकार का भजन किए, उन्होंने किस प्रकार का भजन करके बता रहे हैं शास्त्र में। सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं जिस प्रकार हाथी देखे हो, हाथी नाव है, एक सरोवर एक पौंड में एक नाव है, उसी नाव में अगर हाथी अगर कूद गया तो क्या होगा, वो नाव रहेगा इधर उधर टलटल हो जाएगा। उसी प्रकार ये जिस समय भजन कर रहे थे उसी समय स्वर्ग लोग भूलोक और सारे के सारे जितने भी देवतागण के सारे सिंहासन टलटल टलटल होने लगे थे इनके भजन के प्रभाव से। तब ठाकुर जी स्वयं आए, दिद्रुक्ष्याम कि मैं ध्रुव महाराज जी को दर्शन करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक शिष्या दे रहे हैं, ध्रुव महाराज जी ने डायरेक्ट भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण किया। ध्रुव महाराज किस चीज़ का आश्रय किया, बोले नाम का। नाम के पाके खींचे आए हैं एक दिन घनश्याम। मीरा बोलते हैं ना कि नाम के दो जप करो ठाकुर स्वयं नामनी जो है वो आ जाएंगे। एक छोटा सा और एक बात है इसमें, रामायण सब लोग जानते हो। अब रामायण में विशेष करके सबरी माता का नाम सबने ही सुना होगा। सबरी माता मतंग ऋषि के शिष्य थी और ये हर समय भगवान का नाम जप करती थी। और दूसरे और कौन, शूर्पणखा देवी। बता रहे हो प्रभु देवी बोल रहे हो राक्षसी को, बोले हाँ देवी है। क्यों देवी है, क्योंकि रामायण के पन्ने में उसका नाम है, गोस्वामी ने उनका नाम को लिखा है, वो भी कम नहीं, भगवत पार्षद है वो। तो शूर्पणखा ने डायरेक्ट राम जी को प्राप्त करने के लिए कोशिश किया, डायरेक्ट राम जी को पाने के लिए कोशिश किया। और बोलते हैं राम जी को पास जाते हैं, प्रभु मैं आपको पाना चाहता हूँ। तो राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण कौन है, गुरु तत्व है। बोले राम जी को पाना चाहते हो, डायरेक्ट राम कभी मिलते हैं, बोले तुम्हारे नाक कान काट दूंगा। नाक कान काट दिया, लेकिन देखो सबरी ने डायरेक्ट राम को उपासना नहीं किया, बोले किस चीज को आश्रय ग्रहण किया, राम नाम को आश्रय किया। राम नाम को आश्रय करते 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 वो
ये इस तरफ क्या हुआ, ये शूर्पणखा ने राम जी को ढूंढते ढूंढते गया दंडकारण्य में, लेकिन सबरी ने कहीं ढूंढने गया, एक जगह पे रुका, गुरु वाक्य को पालन किया, गुरुदेव ने बोले हैं निश्चित रूप में, गुरुदेव मुझे बोले हैं कि इस जगह पे आएंगे, यहाँ पे राम जी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देंगे। सबरी ने वहाँ पे ही रुका, हर दिन नए पुष्प चयन करके लाती थी, हर दिन बेर लेके आती थी, चक्के बेर लेके आती थी, मीठी बेर लेके आती थी, हर दिन प्रतीक्षा किया। और एक दिन राम नाम के जप करते 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 वो भगवान के पास उसको जाना नहीं पड़ा, भगवान ढूंढते ढूंढते एक दिन उसके पास आए। इसीलिए बता रहे हैं, देखो नाम और नामनी अभेद हैं, भगवान और भगवान का नाम अभेद है, फिर भी अगर हम भगवान को डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए चाहें तो हम भगवान को डायरेक्ट नहीं मिल सकता, भगवान हमको भगवान नहीं मिलेंगे। इसीलिए भगवान को अगर मिलना चाहते हो, भगवान के पास अगर चाहते हो, भगवान तुम्हारे पास स्वयं आएंगे। एक कंडीशन है, क्या? गुरु प्रदत्त मंत्र से विश्वास रख के, गुरुदेव का जो मंत्र दिया है उसी मंत्र को निष्ठापूर्वक जप करने से ही भगवान एक दिन दौड़ करके हमारे पास आएंगे, हमको भगवान के पास जाने का आवश्यक नहीं है। इसलिए बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ध्रुव महाराज ने नाम जप किया, अब नाम जप करते ही भगवान स्वयं दौड़ करके, भगवान स्वयं उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। अब दर्शन दे के भगवान देख रहे हैं, ये तो आँख ही नहीं खोल रहा है, अरे मुझे दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ध्यान में उठ के पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो आँख ही नहीं खोल रहा है। फिर भगवान उसके बाद में अंतरात्मा में देखते हैं, ये तो मेरे अपने हृदय में जो मेरा स्वरूप को है, जिन्हों नारद जी ने बताया था कि चतुर्भुज रूप में ध्यान करना, तो उसी रूप को ध्यान करते हैं। तब जैसे ही ध्रुव महाराज जी के उस अंतर हृदय में भगवान ने अपने स्वरूप को हटा दिया, तक्षणा ध्रुव महाराज जी का विचलित हो गया और अपने आँख को खोले। जैसे ही ध्रुव महाराज जी आँख को खोले तो चतुर्भुज रूप में पद्म पलाश लोचन नेत्र, भगवान के आँख बड़े बड़े मोटे मोटे कमल के पंखुड़ी जैसा, बड़े बड़े सुंदर मुकुट है, बड़े बड़े सुंदर पीताम्बरी वस्त्र को धारण करके, गरुड़ जी पे विराजमान करके, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करते हुए, उसी भगवान के स्वरूप जो जिन्होंने अपने हृदय में भजन किया, हृदय में बिठा रखा था, उनको प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं ध्रुव महाराज। अब जैसे ही दर्शन कर रहे हैं, उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके स्तुति करते हैं कि प्रभु आप बांछा कल्पतर हो, बहुत सारा स्तुति करते हैं कि आप बद्ध जीव को किस प्रकार माया में मोहित करते रखते हो, प्रभु आप मेरे ऊपर विशेष कृपा करके यहाँ पे पधारे और मेरे ऊपर आपने दर्शन दे के बड़े मेरे हृदय को गदगद कर दिया। अब इनके स्तुति सुन के ही वहाँ पे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं ध्रुव महाराज जी कुछ चाहिए, कुछ मांग लो। तो ध्रुव महाराज जी बोलते हैं, वो कहाँ मैं कांच ढूंढने के लिए गया था, निकला था, और कहाँ मुझे मणि मिल गया। अब बताओ मैं कांच ढूंढने जा रहे हो और मणि मिल गया, तो कोई चिंतामणि मिल गया तो कुछ भी मांगो, कुछ भी प्राप्त हो गया, हो सकता है। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं, कहाँ मैं कांच ढूंढने गया था प्रभु, कांच ढूंढने के लिए घर से निकला था, अब मुझे मणि मिल गया है, अब आप प्रत्यक्ष मिल गए हो, इससे बड़ा और मुझे कोई नहीं मिल सकता। प्रभु आप देना चाहते तो एक चीज को दो। देखो ये ध्रुव महाराज क्या मांग रहे, हमारे पास अगर भगवान प्रकट हो जाए तो हम क्या मांगेंगे, प्रभु मुझे 5-स्टार होटल, बड़ा सा एक घर दे दो, बड़ा ये दे दो, वो दे दो, पता नहीं कितना कितना कितने जन्म का वांछा, इस जन्म में तो वांछा पूर्ति होता ही नहीं, कितने जन्म में क्या क्या है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बस बोलते जाओगे ताकि ठाकुर जी भाग ना जाए। लेकिन ध्रुव महाराज क्या मांग रहे हैं, बड़ा शिक्षा वाला बात बता रहे हैं यहाँ पे, कि भक्तिर्न पुंस भक्तिर्न भक्तिर्न पुंस प्रभवता तोई में प्रसंगो। इसमें बताए भक्तिर्मोह प्रभवता तोई में प्रसंगो, कि हे प्रभु आप एक काम करो, आप अगर मुझे देना चाहते हो तो एक चीज को दो, जिस प्रकार जो जो भक्त आपको अपने हृदय में धारण करके भजन करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त का मेरा संग दो। देखो साधु संग मांग रहे हैं, भक्त साधु संग मांग रहे हैं, बोले आप जिस आपको जो जो भक्त अपने हृदय में धारण करके जिस प्रकार सेवा करते हैं, आप प्रभु मेरे उसी भक्तों का संग दो। तब भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे, जब ध्रुव महाराज जी दर्शन करते हैं भगवान को, कुछ देर तक देखते ही रह जाते हैं, और ध्रुव महाराज जी की इच्छा होता है कि मैं कुछ बोल दूं, लेकिन उनका इच्छा को जान के भगवान अपने शंख को स्पर्श करते हैं। जैसे ही शंख को स्पर्श किया तो दक्षिणा ध्रुव महाराज ने स्तुति करते हैं,
स्तुति करके ये साधु संघ को मांगते हैं और उसके पश्चात भगवान प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि आज तक जिस लोक में कोई नहीं जा पाया, जिस लोक को देव ऋषि सप्त ऋषि देवतागण परिक्रमा लगाते हैं, उसी ध्रुव स्थान को, उसी ध्रुव में मैं तुमको ध्रुव लोक में मैं तुम्हें स्थान देता हूँ, मैं वहाँ पे तुम्हारा स्थान देता हूँ। अब देखो भगवान बता रहे हैं इसने ध्रुव महाराज ने किस चीज के लिए, किस उद्देश्य के लिए वन में गए थे, राज्य प्राप्ति के लिए, राज्यों की प्राप्ति के लिए वन में गए थे। तो भगवान उनको क्या दे रहे हैं देखो, बोले 36,000 वर्ष तक तुम राजभोग करोगे। 36,000 वर्ष जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारे दिमाग के परे हैं। बोले 36,000 वर्ष तक तुम राज्य भोग करोगे। तब ध्रुव महाराज दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि मैं तो मिल गया तो मुझे स्वयं भगवान मिल चुके हैं, मिलने के बाद भी मैं क्या किया ना, जागतिक लोक के लिए मैंने भजन किया। तो फिर भी दुखी होने के बाद भक्त के हृदय में क्या भाव आता है, भगवान को दर्शन करते ही हर समय वो फिर आनंदित भगवान भगवत प्रदत्त वस्तु को आनंद से ग्रहण करते हैं और घर चले जाते हैं। जैसे ही घर में जाते हैं, उनके जो दूसरे माता था कौन, सुरुचि, और सुरुचि के पुत्र कौन, उत्तम। ये उत्तम एक दिन वन में शिकार करने गया था और शिकार करते ही उसने वहां पर मर गया। और उनके जो सुरुचि माता था, ये पुत्र के वियोग में कहाँ गया मेरा पुत्र, कहाँ गया मेरे पुत्र बोल के वन में दौड़ दौड़ के जाते हैं और जाके वहां पे कैसे कैसे भगवत इच्छा से आग लग जाता है और वो वहीं जल के मर जाती है। तब देखो ये जैसे ही कौन ध्रुव महाराज वर प्रदान करके 6 महीने में ही इनको भगवत प्राप्त हो गया। और जैसे ही ये आ रहे तो इनको सुनीति माता ने इनको स्वागत करते हैं और इनके जो पिता उत्थानपाद इनको सारे के सारे राज्य भार को देके वन में चले जाते हैं भजन करने के लिए। अब सुरुचि ने सुनीति ने बहुत काल तक अपने पुत्र के साथ 36,000 वर्ष तक इस राज्य को भोग करते हैं, भोग विलास ऐश्वर्य करने के बाद साथ ही साथ भगवान का भजन करते हैं। फिर इन्होंने दो शादी किया और इनके 3 पुत्र होता है और उसके बाद अपने एक उत्कल नाम को पुत्र को राज्य भार को देते ही इन्होंने इनके लिए भगवत धाम से विमान आता है, भगवत धाम से इनके लिए विमान आता है ध्रुव महाराज जी के। और बता रहे हैं कि काल के ऊपर, काल के सर के ऊपर इन्होंने पैर रखते हुए विमान में चढ़ते हैं, विमान के ऊपर उठते हैं। बता रहे काल कौन है, माया के ऊपर, जिसको जीतना बड़ा बड़ा योगी मुनि के लिए भी बड़ा बड़ा दुष्कर बात है, जो बड़ा आसान चीज नहीं है, उसी काल के सर के ऊपर पैर रखते हुए विमान में बैठते हैं। और जैसे ही विमान में बैठते हैं तब वहाँ पे ये सुनीति ये पूछते हैं विष्णु दूत से कि देखो मैं भजन कर पाया किसके उत्साह से, बोले मेरे माता के उत्साह से, मेरे माता मुझे उत्साह प्रदान किया इसलिए मैं वन में जा पाया। अगर माँ अगर उस समय रोक लेती है भजन वजन कुछ नहीं घर में रुक, तब तो मैं कभी जा ही नहीं पाता, इसलिए मैं भजन किया किसके उत्साह से, बोले मेरे माता के उत्साह से। अब मैं वैकुंठ धाम में चले जाऊँ, आप बताओ मेरे माँ कहाँ है। तब विष्णुदूत बोलते हैं देखो ऊपर तुम बैठने से पहले ही तुम्हारे जो माता सुनी थी उनके लिए और एक दिव्य रथ में वो वैकुंठ धाम में जा रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार एक कुल में अगर एक भक्त अगर भगवान का भजन करे तो उसको भगवान को बोलना नहीं पड़ेगा, भगवान को बोलना नहीं पड़ेगा, वो पूरा का पूरा कुल के साथ उसको उद्धार पहले से ही भगवान कर देते हैं। इसीलिए इसी प्रकार ध्रुव महाराज जी ने वैकुंठ में गमन के आगे की कथा गुरु देखते हैं। ध्रुव महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की श्री विशेष महेश गणेश गणेश सुरी समझाए निरंतर धाम I'm
महाराज की जय। ध्रुव महाराज की जय। देखो ध्रुव महाराज की अभी कथा सुन रहे थे, यहाँ से एक शिक्षा, जितने माताएं हैं ना, एक शिक्षा लेकर के जाओ, ठीक है ना। बोले क्या शिक्षा लेकर के जाओ, जो बोलो अभी सुन रहे थे। जब से ध्रुव महाराज जी काल के सर्प पर में प्यार रखकर के वैकुंठ में विजय कर रहे थे, इतने में ध्रुव जी की मैया का नाम याद आ गया। बोले मेरे मैया कहाँ गई। बोले मैया को क्यों ढूंढ रहे हो। बोले मैया तो मेरे को भजन की बात बताई ना। बोले बेटा भजन कर, ये पिता कब तक रहेंगे, ये राज्य कब तक रहेगा, अधूरा रह गया। देख बेटा माताएं ध्यान देकर सुना, अगर आप लोग सही माताएं हैं, मतलब देखो ये जो आगे जो रथ चल है, जिस पृथ्वी को ऊपर में वो बच्चा जन्म लेता है, ये पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। और क्या होगा, मतलब नृत्य स्वर्गीय पितरी शितरेसा, जो पूर्वज लोग पहले चले गए, जब देखेंगे हमारी एक बेटा बत्सा में भगवान की भक्ति करते नृत्य नाचना शुरू कर देते हैं, हमारे कितने भाग्य है। हमारे एक बच्चा वंश में भगवान की भक्ति करता है, इतना लाभ है। हाँ देखो अगर बच्चा तुम्हारे भजन में किया शराब बन गया, मांस खाता है, बीड़ी भूखता है, अगर बच्चा जैसे भक्ति करने पर उसका फल जैसे पिता माता को मिलेगा, अगर बच्चे तुम्हारी गलत रास्ता पर गए ना, इसका पाप भी आपको लेना पड़ेगा। देखो ये पुरानी कथा है। बोले एक समय को यदि योगी वो स्वर्ग में पहुंचा, देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया, सोने की सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरियां सेवा कर रही थी, लेकिन वहां पर बेहोश हो रहा था, रो रहा था। तो वो योगी ने कहा भैया तू इतने पुण्य करके स्वर्ग में आया, क्यों रो रहे हैं क्यों। देखो क्या कहता है, बोले मैंने पुण्य कर्म किया स्वर्ग में आया, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई है, बच्चों को मैंने सद्मार्ग नहीं दिया, बच्चों को भजन की बात मैंने नहीं सिखाया, इसलिए मैं जो पैसा छोड़ करके आया था, बच्चे अभी उसी पैसे से शराब पी रहे, उससे जुआ खेल रहे हैं, उससे उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, चूंकि मैं नहीं पैसा रख करके आया था, मेरे पैसा को वो गलत रास्ता पर लगा रहे हैं, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा, स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है, समझ रहे कि नहीं है। इसलिए आप लोगों ने लक्ष्मण का नाम सुने कि नहीं, राम लक्ष्मण। लक्ष्मण का माता जी का नाम क्या बोल सकते हो, कौन बोले कहा पूरा लक्ष्मण की भैया क्या क्या नाम थे बोलो, सुमित्रा। जब राम सीता वनवास जा रहे थे, लक्ष्मण अपने अपना माँ के पास में आए, बोले माँ मेरे को आदेश दे दे, भाभी भैया जंगल में जा रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए जाऊं। देखो सुमित्रा क्या कहती, बोले पुत्र वती युवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुतोई। हिंदी समझ में आ रही कि नहीं, बोले पुत्रवती युवती जगसोई, मतलब है उसी माँ को ही बेटा जन्म देना सार्थकता। बोले किसकी बेटा के, बोले रघुपति भक्ति जासू सुतोई, जिसका बेटा ने राम की भक्ति की है उसी माँ को ही बच्चे देना देना सार्थकता। दूसरे आदमी कह दिया अगर तुमने बच्चे को भजन में नहीं लगाया, सुमित्रा कहती है माँ को बांझ रहना चाहिए, माँ को बांझ रहनी चाहिए, मना कर देती बच्चे को जन्म मत दो, मना करती। बोले क्यों, आपको पता होगा बच्चों को लालना पालना में कितना कष्ट है, 9 महीने धारण करो, बच्चे को जन्म दिए कि नहीं आप लोगों ने, कितने प्रसव पीड़े आपको पता होगा, और रात भर सोओगे नहीं, मुंह की खाना निकाल कर खिलाओगे, कितने कष्ट करके बच्चे को बड़े करता हूँ, एक तो बच्चे को बड़े करके बड़े कष्ट करके बनाओगे, फिर मरने का बच्चे नरक भोगोगे वो बच्चे के लिए, क्यों भजन नहीं करेगा, सिगरेट फूकेगा, दारू पिएगा, मांस खाएगा, उसको पाप भी भोग कर। इसलिए सुमित्रा कहती है अगर तुम भजन में नहीं लगा पाए बच्चों को बच्चे जन्म मत दो, उसकी वजह से तेरे को नर्क जाना पड़ेगा, गलत रास्ता में लग जाएगा, तभी बच्चे जन्म दो, बच्चे को अगर भजन में लगा पा। अभी प्रश्न है बेटा भजन कब करेगा, जब पिता माता करेंगे तब तो भजन करेगा, पहला गुरु तो माँ है, उसके बाद में बाप है, अगर दिन भर स्मार्टफोन लेकर पड़ गई, दिन भर उल्टा पुल्टा बात करके भजन नहीं करोगे, हरिनाम नहीं करोगे, बच्चे कहाँ से सीखेगा, तुमसे सीखेगा कहाँ से, पहला गुरु तो माता है, माँ की गोद में ही बच्चा पलता है, पलता कि नहीं, अगर भजन करोगे तो भजन करेगा ना, अगर तू खुद नहीं करोगे बच्चा कहाँ से भक्ति करेंगे। इसलिए आप लोग भी भक्ति करो और बच्चों को भी भक्ति की शिक्षा दो, बच्चे भी बड़े हो। देखो
ए बच्चा ए, अरे अरे यहाँ मेरे के बच्चा है, अब ये बच्चे को देख लो, खड़े हो जाओ। ये बच्चा बैठा है, माला ये धोती लेकर बैठा है, जानते हो ये धोती माला क्यों पहनती? इसकी माँ को देख लो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, देखो इसकी माँ को देख लो, इसकी मैया मैया भी यहाँ पर बैठी है, देखो इसको माँ को देखो, ये तिलक लगा कर बैठे, घूम जाओ उसको तिलक दिखा दो, ये गले में कंठी पहनी, गले में तिलक लगा ली है, क्योंकि माँ की संस्कार बच्चों में पड़ेगा ना, इसलिए भक्ति करती है, इसलिए बच्चे को भी धोती पहना कर रखा, हाथ में माला पहन करके बड़े सुंदर करता तो बजा रहे, इसलिए। लेकिन अभी ये युग ऐसा आ गया ना, बच्चे बच्चे शराबी हो जाए, लेकिन बच्चे को भक्ति में नहीं लेना, भजन नहीं कराए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए खुद भक्ति करो और बच्चों को भी भक्ति की सिख्या दो। एक बेटा भजन करने तुम्हारी कैसे बड़ी, तब ये प्रहलाद ध्रुव महाराज की यही सिख्या है, क्योंकि माँ पहले जा रहे थे ना, बेटा पहले जा नहीं, माँ पहले गई, इसलिए अपना बच्चे को भक्ति की संस्कार डालो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा देख लो माइक भैया, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम, जोर देखो बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे श्री नारद जी कथा सुन रहे थे, ध्रुव महाराज जी कथा सुन रहे थे, अभी जब श्री कृष्ण ये जगत छोड़कर चले गए, पंच पांडव जब संसार छोड़कर चले गए, तो उन्होंने श्री युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन में अभिषेक कर दिया। एक दिन वो बड़े अपशगुन देख रहे थे, एक दिन चतुरंगिणी संगी को लेकर के वो भ्रमण कर रहे थे, आश्चर्य घटना देखा, प्राचीन नदी के किनारे में एक गैया बड़ी दुखी होकर के बिलर बिलर करके रो रही थी, और एक बैल में देखा उसका तीन प्यार भी, वो एक प्यार में खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा उसको एक प्यार को डंडे मार मार करके तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, और जो बैल और गैया ना बड़ी जोर जोर से रो रही थी, जो रो रही थी इतने में इसको देख करके परीक्षित महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, उन्होंने मैयान से तलवार बनता एक तलवार निकाल करके मारने के लिए चपड़ बना, लेकिन वो था कली, उसने देखा ये अर्जुन का वंशज नहीं, अगर कोई उनकी चरण में शरणागत हो जाए ना, ये कभी उसको मारते नहीं, सीधा उनके चरण में उन्होंने सीधा उनके चरण गिर पड़े, बोले बताओ तू कौन है, बोले मैं कली हूँ, बोले ये बैल कौन है, बोले ये धर्म है, बोले इसके तीन चरण कहाँ है, बोले सत्य त्रेतय द्वापर युग बीत गया, धर्म का तीन चरण खत्म हो गई, अभी धर्म एक प्यार में खड़ा हुआ, बोले तू क्या कर रहे हो, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ उसको एक प्यार भी मैं तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बोले ये गैया कौन है, बोले पृथ्वी, बोले ये क्यों रो रही है, बोले कृष्ण चले गए, अब ये कलयुग आएगा, कलयुग में लोग बड़े पाप कर्म करेंगे, इसलिए ये पृथ्वी सोच रही है ये पाप कर्म को मैं कैसे भोगूं, इसलिए दुखी हो रही है। तब श्री परीक्षित महाराज बोले, बोले मेरे देश से तू निकल जा, नहीं तो तेरे को मैं जान से खत्म कर दूंगा, बोले जब सत्य त्रेतय द्वापर को आपने जगा दिया, अभी ये कलयुग आ गया, इसलिए कलयुग को मेरे को भी स्थान दे दो। अभी श्री परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कलयुग में गुण क्या और दोष क्या है, देखा कलयुग में यद्यपि दोष ही दोष है, लेकिन कलयुग में एक गुण भी है, बोले क्या गुण है, बोले कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तम बद्ध परम ब्रज, अगर ये कलयुग में थोड़ी सी हरिनाम कोई ले, केवल ठाकुर का थोड़ी नाम कोई जप कर ले, संसार से पार हो जाएगा, क्योंकि देखा कलयुग में लोग कठोर तपस्या नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी ठाकुर का तो नाम कर सकते हैं ना, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम, बस इतने से ही बड़ा पार हो जाएगा, कलयुग में ज्यादा कष्ट करने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ठाकुर तो अत्यंत सरल उपाय रखेंगे,
कलयुग में ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं, हरि नाम करो, लेकिन तब भी कलयुग में जीव हरि की नाम नहीं लेते हैं। इसलिए कलि को उन्होंने कहां कहां पर स्थान दिया, हाँ ध्यान दे कृष्णा, पहले कलयुग में जो भगवान का जो नाम है ना, यही मेडिसिन, जैसे आपका कोई बीमारी किसी अच्छे डॉक्टर के पास में गए हैं, अगर डॉक्टर बोलेगा भैया बढ़िया दवा तो बढ़िया दे रहा, अगर परहेज को साथ में दवा लोगे तो जल्दी जल्दी तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, अगर बगैर परहेज के दवा लोगे फिर तो जिंदगी भर पैसा खर्चा होगा, दवा तो लोगे लेकिन ये दवा कोई काम नहीं करेगा। इसलिए कलयुग में दवा क्या है, ठाकुर जी का नाम, बोले परहेज क्या है, बोले चार परहेज कर लो, चार नियमों का पालन कर लो बस बड़ा पार हो जाएंगे। पहला नंबर जुआ मत खेला करो, धर्म का पहला चरण सत्य है, जो जुआ खेलेगा वो कभी सच नहीं बोल सकता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज से क्या दिया, देखो मैं धर्म का स्वरूप हूँ और ये जुआ खेलकर मेरे कितने सत्यानाश हो गया, राज्य गया, भाई लोग लास्ट में उन्होंने द्रौपदी को उन्होंने दाव पर लगा दिया। महाभारत देखेगी नहीं, भरी सभा में द्रौपदी का भ्रस्त रहना देखना पड़ा, फिर हमको 13 साल तक जंगल में बैठना पड़ा, 12 साल तक जंगल में बैठ गए और 1 साल उन्होंने विराट राज्य में नौकरी किया। कौन नौकरी किया, अब महाभारत देखे हो, कौन कौन महाभारत देखे हो, युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे, धर्मराज युधिष्ठिर कम कर रहा था, पासा खेल रहे, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ कार्यधारी क्या कर रहा था, ब्रिहनला नृत्य शिक्षा दे रहा था, भीम क्या कर रहा था, रोसई कर रहा था, नकुल सहदेव क्या कर रहे थे, बड़ा सा समझ रहे, शिक्षा देते हैं भैया कभी जुआ मत खेला करो, बच्चों को भी पति को भी कभी जुआ खेल में प्रफुल्लित मत कराओ, शिक्षा देते हैं, जुआ खेलोगे तो इतने नीचे तुम उतर कर आ जाओगे, इसलिए कभी भैया जुआ का नाम कभी भी नहीं चाहिए, मना करते हैं। धर्म का पहला चरण सत्य, दूसरा किसी तरह का कोई नशीली वस्तु को मत लिया है, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीज हमें नहीं लेनी चाहिए, गंदी चीज, इसलिए अपना पति और बच्चों को ये शराब से भी दूर रखा करो, क्या क्या करोगे, ये शराब पीने के लिए मत देना बच्चों को भी पतियों को, वहां से बच्चों को रखा करना, ठीक है ना, कि वो जो शराब पीते है ना कभी 3 काम होता है, जो शराब पिएगा उसको 3 लाभ है, कितना लाभ है, क्या क्या बोले सुन लो, पहला नंबर है जो शराब पीगा वो बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा मतलब जिंदा रहेगा तब तो बूढ़ा होगा ना, और पी पी कर आधा उम्र खत्म हो जाएगा। दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी, बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तब तो चोरी होगा, और तो पी पा करके बेच बाच करके पत्नी की गहना भी बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देगा। तीसरा लाभ कहीं शराब पी करके पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर के मुंह में पेशाब कर देगा। इसलिए आप भी अपना बच्चों और पतियों को ये सब गंदी चीज से दूर रखा करो, ठीक है ना, अगर जो पिता होगा कोई शराब उसको मेरे पास में ले आएगा मैं इसको समझाऊंगा। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में माला लेने के लिए हरिनाम लेने आए, देखा उसको 2 बच्चे छोटे छोटे, मैंने कहा इसके पिताजी कहाँ पर गए, बोले मर गया है, बोले इतने कम उम्र के छोटे छोटे बच्चे मर गए, मतलब कैसे, बोले पीते थे, बोले तुमने मना नहीं की, बोले मेरा बात ही नहीं सुनते थे, मेरे को तो उल्टा उल्टा शिक्षा देते थे, मेरे को ये उल्टा शिक्षा देते थे, और जब पी पी कर लीवर जब खत्म हो गया बचने का कोई सवाल नहीं। इसलिए इस सब चीज से देखो, अभी ये कलयुग होने का नाते आपको पता होगा, जैसे शादी हुआ ना बच्चे का बर्थ डे कुछ होता है, अगर लोगों को शराब नहीं पिलाओ मांस नहीं खिलाओ तो बोले ये कौन सा शादी हुई, तुमने शराब नहीं पिलाया, संत लोग मना करते भैया ये गंदी चीज को कभी मत घुसाए, भले तुम्हारी शादी में कोई नहीं आए लेकिन ये गंदी चीज को नहीं मत लाओ, और कभी को किसको पिला पिला भी नहीं, क्योंकि इसको पिलाना पाप कर्म है, इसको पिलाना पाप कर्म। अगर किसी बच्चे का एक बहुत बड़े संत कहते थे, अगर किसी बच्चे का बर्थडे तुमने क्या किया, ऐसे लोग को बुलाया जो शराब पीते हैं मांस खाते हैं, तो संत कहते थे इतने जो तुमने पाप कर्म किया उसको किसको लगेगा, बोले जिस बच्चे के उद्देश्य में करोगे वो बच्चे को ये पाप लगेगा। इसलिए अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों से नहीं मिलना चाहिए, संसार करो शादी करके अपना पत्नी को साथ में अपना संसार को करो, धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी करनी चाहिए, इसको करने से पवित्रता नष्ट हो जाती है।
अगर कलयुग में ये चार नियम को पालन कर लो बस यही परहेज है। अगर भगवान का थोड़ी से नाम पर तो तुम्हारी बड़ा पार हो जाएगी, संसार से उद्धार तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने चार चीज को स्थान दिया ना, लेकिन ये कली खुश नहीं हुआ, बोले मैं कहाँ पर ढूंढता रहूं, कौन जुआ कर रहा है, कौन मांस खा रहा है, कौन बेस्या घर में जा रहे, मैं कहाँ ढूंढू, मेरे को ऐसे एक स्थान दे दो जो एक स्थान में सब कुछ मिल जाए। देखो अच्छे तरह ध्यान दे दो, उन्होंने कहाँ पर ये कली को स्थान दिया, बोले सुवर्ण, सुवर्ण मतलब था पैसा। अब देखना ज्यादा जहाँ पैसा है ना, जुआ कौन करेगा, ये मांस एक 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 हजार रुपया लेकर कौन खाएगा, एक एक बोतल 5,000 रुपया कौन खर्च करेगा, ये बेस्या घर कौन जाएगा। ये जितने जिसको घर में जितने ज्यादा पैसा है ना, आप देखना जितने अनर्थ वहीं पर है। लेकिन एक चीज को समझो, कहते पैसा तो लक्ष्मी है, पैसा कौन है, जोर से बोला, हाँ ये चीज को अच्छे तरह दिमाग में लेगा। लक्ष्मी का बाहन कौन है आप बता सकते हो, कौन है, उल्लू। मतलब घर में जब पैसा आता है ना, ये उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है, क्योंकि लक्ष्मी का बाहन उल्लू है, हमें और उल्लू बना मूर्ख बनाती। लेकिन लक्ष्मी के और एक बाहन है, कौन है, एक गरुड़ है। देखो ये चीज को अच्छा तरह समझ लो, आप देखना उल्लू को ऊपर नहीं लक्ष्मी अकेली बैठी हुई है। देखो इसका मतलब है, अगर अपना भोग के लिए अगर लक्ष्मी को बुलाओगे फिर वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आए, लेकिन अगर लक्ष्मी को बुलाओ, क्यों लक्ष्मी का नारायण है, लक्ष्मी के बगैर ठाकुर की सेवा नहीं हो। अगर भगवान की सेवा के लिए अगर पैसा को बुलाओगे ना लक्ष्मी को, फिर वो उल्लू को ऊपर बैठ करके नहीं, वो गरुड़ को ऊपर बैठ करके आएंगे। और गरुड़ को ऊपर में देखोगे लक्ष्मी कभी अकेले नहीं, वो नारायण को साथ में, किसके साथ में, और नारायण को साथ में। मतलब है देखो लक्ष्मी नहीं हो तो प्रभु का पैसा भी सेवा भी नहीं होगा, लक्ष्मी तो भगवान की है ना, इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, क्योंकि लक्ष्मी को अगर कुछ नहीं होता है, लेकिन इतनी सी बात याद रखो लक्ष्मी नारायण की है, हे माँ लक्ष्मी आओ, क्यों, ठाकुर जी की सेवा के लिए। अगर ठाकुर को सेवा के लिए बुलाओगे ना, वो गरुड़ को ऊपर बैठ करके आएगी, और गरुड़ कहाँ रहते हैं, बोले बैकुंठ रहते, फिर तुम्हारे घर को घर नहीं, तुम्हारे घर को वृंदावन, और माँ लक्ष्मी तुम घर को वैकुंठ बना देगी, ठीक है ना। इसलिए घर में लक्ष्मी को बुलाओ, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाए, ठीक है। घर में जो कुछ खाना बनता है, फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ, घर में ठाकुर जी को उत्सव करो, घर में ठाकुर जी की कीर्तन करवाओ, सत्संग करवाओ, फिर लक्ष्मी की तभी सही प्रयोग होता है, जब ये लक्ष्मी के ठाकुर को सेवा में लग जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। आज कथा को हम कहीं विश्राम देते हैं, कल से फिर कथा करेंगे, और कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। आप बताओ कौन सा रंग की साड़ी पहन कर जाऊं, जोर से बोला, अगर पीले हो तो अच्छी बात, कोशिश करना, अगर पीला नहीं हो ना, घर में जो बढ़िया साड़ी होगा, बढ़िया से बढ़िया होगा, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, जैसे गोपियां सज धज करके आई थी कल, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन करके, और गोपियों की भाव से आना, क्योंकि कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। बोले श्री नंद के लाला की जय, बोले श्री कृष्ण के कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। अगर तुम्हारे घर में कोई बाल गोपाल होगा ना, छोटे छोटे बच्चे, कोशिश करना उनको भी कृष्ण की सखा बना कर लाना। अगर किसी को घर में एकदम छोटा बच्चा हो, कोशिश करना उनको जैसे भगवान की है कृष्ण बना करके, बच्चे को कृष्ण बना कर खिलाने के लिए, ठीक है। अगर घर में तुम्हारी कोई छोटी छोटी लड़कियां होगी, कोशिश करना उनको भी गोपी है, गोपी की ड्रेस पहना करके, सुंदर सुंदर कपड़ा पहना करके उनको भी लाना, ठीक है। अगर हो सके तो कोशिश करना जैसे उसमें लुटा था ना, टप्पी है, चकलेट है, खिलौना है, अगर तुम ला सके तो ले करके आना, और कल बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोग एक बार सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी भजन गाएंगे, जिस भजन में नाच लो, और उसके बाद में फिर प्रसाद, माता जी प्रसाद कहाँ पर है, नीचे माता जी कहाँ प्रसाद मिलेगा, नीचे।
बार बार जो है अपने मन की लगन को गोविंद के चरणों में लगा लो, जिंदगी की लगन होती है वो सभी संत करेंगे। लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा
Thank you.